मेरी एक रिक्वेस्ट है ना। सर, हमने सुना है कि सर अलीम, पता नहीं सर का क्या नाम है, इसने असाइनमेंट भी दी है कि वेबसाइट बनानी बनाने वाली, सही है। तो उसको सर रिस्पॉन्सिव भी करना है या फिर HTML और CSS यूज करनी है बस। नहीं अभी रिस्पॉन्सिव नहीं करना, अभी HTML और CSS ही आपको यूज करनी, ठीक है। अभी रिस्पॉन्सिव वाला सर, फैक्टर अच्छा जब सर, आप एक्सक्यूज मी करते हैं सर, वहाँ पे। अच्छा एक्सक्यूज मी सर, सर, ये इसकी लास्ट डेट क्या है मतलब सबमिट करने की। मैं कंफर्म करके बताता हूँ, पूछ के बताता हूँ, ठीक है। एक्सक्यूज मी जी सर, सर, शुक्रिया सर सर। एक्सक्यूज मी सर, मेरा भी एक सवाल है कि सर यूसुफ के असाइनमेंट हैं ये या ये सर अलीम के हैं। सर ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हम जावा स्क्रिप्ट के जो सर जीशान के हैं वीडियो में वो से करने या ये जो अननोन जो है सर ये अलीम के, ये सर हम तक नहीं सर ये पहुंचे हैं कि ये मतलब ना करना क्या है इसके अंदर। सिर्फ ये बात ना एग्जैक्टली सुनने में आ रही है सर, हाँ, सुनने में हकीकत लेकिन ये सी चीजें ना क्लियर नहीं है सर अभी सर। तक असाइनमेंट्स का तो अभी पता ही नहीं, बस जो सर निशान की वीडियोस में है बस वो वाली बस। है। और तो क्या सर, अच्छा चले, एक मिनट रुकिएगा, इस टॉपिक को हम इधर रखते हैं, ठीक है। मैं एक दफा कंफर्म कर लूँ मैनेजमेंट से कि क्या उन्होंने कोई प्लान चेंज किया या कुछ है, तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा जी रुकिए, सर, तो पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करूँ। क्या नाम है, जी हम सर, प्लीज स्क्रीन मंसूर रिकॉर्ड सर, कर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। अच्छा चले, ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं आपसे दो तीन सवाल पूछूंगा, पहले उसके जवाब दे दें फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो जैसे असाइनमेंट है जो सर जिशान वाले, सबसे पहले तो वही करने हैं आपको, ठीक है, क्योंकि ओके हमारे सर, टॉपिक उससे रिलेटेड था, तो वो आपको करने, पहली बात हो गई। अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात ये करते हैं कि जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड चीज़ें कुछ ऐसे होती हैं कि अगर मैं आपको समझाऊं तो सबसे पहले आपको काम करना आना चाहिए, ठीक है। ठीक है जब सर, आपको काम करना आ जाता है ना, फिर आपको काम बेहतर तरीके से करना आना चाहिए, सर, ठीक है सर। समझ रहे हैं स्टेप बात? वाइज है ना सर ये, थोड़ा सा जब आप हाँ कोई चीज बताते हैं तो पीछे जाकर हम लोग थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन उसको मजीद ना ग्रिप में लाने के लिए थोड़ा सा बस टाइम टाइम लगेगा, दरकार हो हाँ जाता है बस, ये डेफिनेटली बात है सर। 110% ऐसी बात है। ऐसा नहीं है कि आज आपने ये सीख लिया और ये हो गया, ये ऑनगोइंग हाँ प्रोसेस होता है, ठीक चैंपियन है। हो गए, लेकिन हाँ टाइम टाइम थोड़ा लगता है बस। लगेगा, तो कहने का वही जी मकसद है कि पहले काम करना आना चाहिए, फिर उसको बेहतर करना आना चाहिए। तो अभी तक जो हमने जावास्क्रिप्ट का सीखा था ना बेसिक्स, वो काम यस सर, करना आने वाला था, ठीक ठीक है, है, कि किस तरीके से सारी चीजें, ऐप कैसे चलती है, जावास्क्रिप्ट कैसे चलती है, क्या चीजें क्या नहीं, वो सारी चीजें उसमें थी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर्स हम यूज करते हैं, कौन कौन से हमारे पास तरीके हैं काम करने के, फॉर लूप क्या था, व्हाइल लूप क्या था, ये सारी चीजें थी। अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ। एडवांस में ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट चेंज हो गई, नहीं, जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस जो आपने पढ़ा है बेसिक वो वही रहेगी, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि किसको किस तरीके से यूज करना चाहिए और कब क्या यूज करना चाहिए समहाउ, ठीक है। समझ में आती बात, ठीक जी सर बिल्कुल। है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ बता देता हूँ, हम कॉन्सेप्ट को एडवांस के समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। हमने फॉर लूप पढ़ लिया था ना, वो बेसिक था, सर, जी सर, अब हम, फॉर फॉर है ना, इन भी सर हो गया था। हाँ अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी एडवांस की तरफ ना। अब थोड़े से जो ये जो जितना अभी तक हमने पढ़ा था वो ES5 तक के लिए था हमारे पास, ठीक है। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हम लेटेस्ट जो ES चल रही होगी ना उसके लिए पढ़ेंगे, वहां तक जो जो चीजें यूज हो सकती है हम वो लोग देखेंगे। असल में अभी तक जो ECMAScript लेटेस्ट आई हुई है ना उसमें और नए फीचर्स आए हुए हैं, लेकिन वो नए फीचर्स अभी हम 100% नहीं यूज कर सकते। इसका रीजन है, यासमीन इसका रीजन ये है कि श्योर मैं बस ब्राउजर कर रहा हूँ सपोर्ट जरा नहीं बस। करते अभी तक 100%, ठीक है। ओह अच्छा, अब आपके पास जावास्क्रिप्ट ने नया फंक्शन दे दिया, लेट से ABC, ठीक है। अभी समझ लें अभी क्या है, 23 चल रहा है, हम कह रहे हैं जो 23 ईयर की जावास्क्रिप्ट ने जो लेटेस्ट फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ ABC, लेकिन अभी ब्राउजर्स के ऊपर चल रहा है 22 वाला वर्जन, यानी सारे ब्राउजर्स अपग्रेड करते हैं ना चीजों को अपने पास, तभी जाके जावास्क्रिप्ट चलती है ना। जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे क्यों चल जाती है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन हुई है, ब्राउजर को पता है कि ये जावास्क्रिप्ट
इम्प्लीमेंट करनी है, तो अब आप जब भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं या एचटीएमएल का कोड लिखते हैं या सीएसएस का कोड लिखते हैं, वो ब्राउजर समझता है, वो उसको उस तरीके से एक्ट करता है। सही है? नहीं, वो तो ये तो एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात समझ लें कि ब्राउजर के ऊपर, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, आपके एप्लीकेशन के अंदर आपने कुछ अपने स्पेसिफिक फंक्शन लिखे हुए हैं, अगर कोई वो वाला फंक्शन यूज करेगा वर्जन वन, लेट से आपकी एप्लीकेशन बनी वर्जन वन, और उस वर्जन वन के अंदर आपने दो फंक्शन बनाए थे, सेट और गेट, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ये बात करते, सॉरी। तो सब अगर वर्जन वन यूज कर रहे हैं तो सबको पता है गेट और सेट यूज करना है, ऐसा है? Yes, sir. अब आपने बना लिया वर्जन टू, ठीक है, आपने वर्जन टू बना लिया, अब उसके अंदर आपने एक और फंक्शन ऐड कर दिया सेट और गेट के साथ अपडेट का, अपडेट कौन यूज कर सकेगा? सिंपल से वर्ड्स में आप बताते चले, आपसे ही पूछ लेता हूँ। जिसने वर्जन टू, जिसने वर्जन टू इंस्टॉल किया होगा, हाँ, जिसने वर्जन टू, जिसके पास वर्जन टू होगा आपके एप्लीकेशन का, वो यूज कर सकेगा, ऐसा है? बिल्कुल, तो सेम वही है, समझ ले, ब्राउजर भी अपने पास है ना वर्जन अपग्रेड कर रहा होता है जावास्क्रिप्ट के, ठीक है, सिंपल से वर्ड्स में समझाने के लिए। तो अभी लेट से अगर उसके पास 22 वाला अभी तक अपडेटेड है, हो सकता है क्रोम ने अपडेट कर दिया 23 वाला, ये भी पॉसिबल है, ये भी होता है, क्रोम ने अपडेट कर दिया 23 वाला, लेकिन फायरफॉक्स और ओपेरा अभी 22 पे चल रहे हैं, तो भी मसला है ना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका यूजर क्रोम यूज कर रहा है, फायरफॉक्स यूज कर रहा है या ओपेरा यूज कर रहा है, तो हमें सारे ब्राउजर्स ऑल ब्राउजर सपोर्टेड चाहिए। मेक सेंस, समझ में आती है बात आपको? जी बिल्कुल सर, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अभी हम एडवांस पे जाने से पहले, मतलब कोर कॉन्सेप्ट्स को देखने से पहले, मैं चाह रहा था कि हम जो एरे देख रहे थे ना, हमने एरे के ES5 के सारे फंक्शंस देख लिए, फोर के लूप के अंदर पुश पॉप एरे अनशिफ्ट अनशिफ्ट रिड्यूस स्प्लाइस स्लाइस, ऐसा ही था जी सर। अब हम कुछ नए फंक्शंस देखते हैं, पहले हमने क्या नाम है मंसूर, VS Code ओपन करिएगा और एक सिंपल सी एरे बना के फोर के लूप में उसको प्रिंट करवा दें। मंसूर, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हमें जो यूज करना है वो यूज करना है मैप यूज करना है और रिड्यूस यूज करना है और फिल्टर, फिल्टर भी, ठीक है, ये यहाँ पे कवर करवाना है, ठीक है, ओके सर, सही। अब आप देखिएगा, जब आप हमारे पास कोर फंक्शंस के साथ हम काम करते थे तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, लेकिन जब हम एडवांस की तरफ जाते हैं तो उन्होंने हमारे लिए थोड़ी सी जिंदगी और आसान बना के दे दी है, कैसे वो मैं बताता हूँ, हम लोग देख रहे हैं अभी, वही देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अभी बात कर रहे हैं एरे की, तो ये थोड़ा सा एडवांस वाला टॉपिक ही है, मतलब एडवांस के अंदर ये सारी चीजें आएंगी कि क्या है क्या नहीं, लेकिन हमें वो फंक्शंस यूज करके भी देखने, क्योंकि रियल लाइफ में हम यूज करते हैं उसको। तो हम पहले एक सिंपल सा काम करते हैं, एरे बनाएंगे, उसको फोर लूप के अंदर जिस तरीके से अभी तक हमने आपके साथ काम किया था कंसोल के अंदर प्रिंट करवा के दिखा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने एरे के हर आइटम को एक्सेस कर लिया। मंसूर, सबसे पहले फोर ईच करवा देना, ओके सर, ठीक है, मैं ब्राउजर में करवा दूं, नहीं करो ये सब कुछ, इन सबको पता है कि किस तरीके से क्या यूज करते हैं, तो टेंशन नहीं है हमारे लिए। ब्राउजर में सर लिखने में ज्यादा नहीं होगा टाइम लगेगा? चलो यू कर लो, हाँ ठीक है, बार बार उस पर प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। यार आई वुड सजेस्ट कि सब अपने वीडियोस ऑफ कर दें प्लीज, थैंक यू। क्लियर है? ठीक है, यस क्लियर। अच्छा, एरे पहले हम काम करके देखेंगे क्या फोर के लूप से, एक मिनट, हाँ पहले फोर का लूप बना देना, उसके बाद फिर हम फोर ईच देखेंगे कि फोर ईच हमारी क्या जिंदगी आसान करती है। मंसूर, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, पहले फोर का लूप बना दो, सॉरी इसके ऊपर, हाँ, ताकि इनको बताना है कि अब देखें जो नए नए फंक्शंस आते हैं या हमारे पास जो चीजें चेंज होती है वर्जन वाइज ECMAScript के अंदर, जावास्क्रिप्ट के वर्जन को ECMAScript कहते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जितनी भी चीजें जो बुक में पढ़ी वो ECMAScript 5 तक है, यानी 2015, 5 का मतलब 2015, सही है, और जो मेजर चेंजेस आई है ना वो 2016 से आई है, ECMAScript 6 है,
तो ये जो आपको फंक्शंस मिलेंगे मैप रिड्यूस ये सारी चीजें आपको ECMAScript 6 से मिलना स्टार्ट हुई है और क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी आया था. हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़े थे जावास्क्रिप्ट के अंदर. यस सर यस सर पढ़ लिए थे. ठीक है ना. तो वो क्या करता है कि आपको एक ब्लूप्रिंट बना के दे देता है आपके जैसे स्टूडेंट का ब्लूप्रिंट बना के दे दिया था प्लान का ब्लूप्रिंट बना के दे दिया था और उससे हम जितने भी प्लान बनाना चाहे बना सकते थे जितने भी स्टूडेंट बनाना चाहे बना सकते थे. ऐसा ही है बिल्कुल. यस सर न्यू से था ना सर वो. हां न्यू कीवर्ड के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टर कीवर्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम न्यू कीवर्ड के साथ यूज करते हैं. ठीक है जबरदस्त. तो ECMAScript 5 का अब ECMAScript 6 के अंदर किस तरीके से काम करते हैं वो भी हम देख लेंगे. वो भी मजेदार है. वो मतलब मजेदार नहीं है वो जैसे दूसरी लैंग्वेजेस में काम किया जाता है वैसे काम किया जाता है इन शॉर्ट वो भी है. तो ये देखें सिंपल सा फोर लूप बनाया आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. हमने उसको आइट्रेट करके दिखा दिया आपको कंसोल में लॉग. अब इसको क्या मल्टीप्लाई करना प्लस करना सम करना कुछ मुश्किल है? No. नहीं ना. ठीक है आगे चलते हैं. अब हम यही काम देखें जब हम नए वर्जन के ऊपर गए थे जब नए फंक्शन आए थे तो उन्होंने हमारी थोड़ी सी जिंदगी आसान कर दी. क्या आसान कर दी? अब यहाँ पे मतलब एक मिनट यहाँ पे लिखो v का मतलब वैल्यू. यहाँ पे प्रॉपर लिखो v की जगह वैल्यू लिखो और i की जगह इंडेक्स लिखो. तो ये देखिए जब हमने फोर ईच का फंक्शन हमारे पास आया तो फोर ईच का फंक्शन एक और फंक्शन लेता है और उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं. कौन कौन से? वैल्यू और इंडेक्स. इंडेक्स ठीक है. हाँ कंसोल करवाओ वैल्यू के साथ वैल्यू लिखना हार्ड कोडेड वैल्यू लिखना स्ट्रिंग ताकि पता चले कि ये वैल्यू है और इंडेक्स के साथ इंडेक्स लिखना. ठीक है दो कंसोल लगाते हैं. अब आप जरा देखिएगा और आप बताइएगा कि क्या हुआ. क्या ये सही चला जैसे फोर लूप चल रहा था? यस सर ये कुछ वही है सर वैल्यू है और फिर इंडेक्स है. अच्छा अब ये नंबर की जगह एक और नाम प्रिंट करवा दो. क्या नाम है? एक एरे और बना दो नेम्स की ना. वो रहने दो ये रहने दो. एक और एरे बना दो नेम्स की. दो तीन नाम डाल दो. ठीक है अब हम प्रिंट करवाएंगे किसको? नेम्स को. तो जरा देखिएगा नेम्स में आपको सही तरीके से ना रिफ्लेक्शन नजर आएगा पूरा सही. जो अगर हम यही काम अगर फोर के लूप में करते तो कैसे करना होता जरा आप लोग बताइएगा मुझे. जरा क्या नाम है इसी काम को मंसूर जरा फोर के लूप में भी जरा प्रिंट करवाना नेम्स को. नेम के इसको ऊपर ले जाओ वेरिएबल को सबसे टॉप पे वेरिएबल डिफाइन कर दो सिंपल. यही से कर लो सर. यही से कर लो. यही से ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. आउटपुट बताना क्या आएगा. ऊपर भी नेम लेना. सॉरी सर. अच्छा सॉरी एरे में भी नेम. हाँ. अब देखो यहाँ पे क्या करना v आएगा और नेम आएंगे. हाँ एग्जैक्टली नाम आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी आपकी. अब इसमें होता क्या वेरी स्पेसिफिक हमें एरे का इंडेक्स भी बताना पड़ता है. ऐसा है लाइन नंबर फोर में देखिए हम बता भी रहे हैं कि भाई ये एरे है इसका ये वाला इंडेक्स हमें रिटर्न. लेकिन अगर आप फोर ईच के लूप में देखें क्या ये हमें करना पड़ता है? नहीं नहीं सर सिर्फ इंडेक्स दिया है. अच्छा ठीक है. अच्छा मसला नहीं है ऑप्शनल है ये एक एक्स्ट्रा चीज आपको दे रहा है तो ये ऑप्शनल है. ठीक है. अच्छा लाइन नंबर एट पे आना. यस सर. एक फंक्शन बनाना जो दो पैरामीटर्स ले रहा है आपसे दो आर्गुमेंट्स लेगा आपसे. ठीक है. हाँ लिखे लॉग लॉग प्रिंट नेम सिंपल प्रिंट नेम. अच्छा दो आर्गुमेंट दे दो ए और बी और कंसोल करवा दो ए और बी को सिंपल ए कॉमा बी कर दो बी छोड़ दो. अच्छा जरा एक मजेदार चीज देखिएगा. अच्छा अब यही वाला काम लाइन नंबर 13 से लेके जो 16 है ना उसको कॉपी पेस्ट करो नीचे लाइन नंबर 17 पे. लाइन नंबर 13 से 16 को कॉपी पेस्ट कर दो नीचे. ठीक है. अब ये कॉल बैक फंक्शन हटा के सिर्फ प्रिंट नेम दे दो. अब देखिए कोड कितना क्लीन होते जा रहा है. अब जरा गौर से देखिएगा. अब देखें क्या ये
लाइन नंबर 13 से 16 वाला सेम है और 18 वाला सेम है? जैसा सेम है। कैसे सेम है सर? ये जो ना प्रिंट नेम जो है इसमें ना आर्गुमेंट हो रहे हैं ए बी, और ना उसकी जगह आ रहा है वैल्यू और ना इंडेक्स। सर एक मेरी रिक्वेस्ट है सर, सर मैं क्लास लीव कर लूं, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, थोड़ी काम हो गया है इमरजेंसी में। जी 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 शुक्रिया सर। अच्छा अब ये देखिएगा लाइन नंबर 18 पे प्रिंट कब से मैंने फंक्शन का नाम दिया, मैंने तो फंक्शन यहाँ पे कॉल ही नहीं किया। मतलब हाँ मतलब जो भी वेरिएबल फंक्शन का नाम था एक्स वाई जेड जो भी है ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि ये तो मैंने सिर्फ नाम दिया, मैंने तो कॉल किया। वैसे हम कॉल किस तरह करते हैं जरा लिखना है इसके आगे, प्रिंट नेम फंक्शन कॉलिंग एंड देन वैल्यू और इंडेक्स वी और आई दे दो थोड़ी देर के लिए। हाँ अब बोलो दोस्त। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि यहाँ पे मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम क्यों दिया, कॉलिंग क्यों नहीं दी? सर वो कॉलिंग जो है वो तो फॉर ईच का लूप सर मतलब कर रहा है ना, वो खुद कॉल करेगा। यस अगर आप और से देखो अच्छा इन्होंने एक और चीज कर दी यार, लाइन नंबर 13 पे आना और लाइन नंबर 13 पे ना लैम्डा से इसको नॉर्मल फंक्शन बनाओ। अभी हमने लैम्डा नहीं पढ़ा ना तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा। इसको हाँ फंक्शन लिखो और लैम्डा हटा दो। हाँ अब देखें, अब आपको शायद समझ में आए, ऊपर जो था ना ये फोर ईच के अंदर हमने इसको एनोनिमस फंक्शन दिया हुआ था ये। यस यस। अब अब क्या अब आपको सिमिलरिटी नजर आना स्टार्ट हुई है? नीचे वाले लाइन नंबर 18 को सही कर दो मंसूर। प्रिंट नेम सर अपनी। हाँ क्या अब ये सिमिलरिटी नजर आना स्टार्ट हुई है? यस। Yes. अच्छा इसको और थोड़ा सिमिलर करने के लिए और मजीद सिमिलर करने के लिए हम करते हैं लाइन नंबर 9 को, फंक्शन है ना उसको एक वेरिएबल प्रिंट नेम कहते हैं और उसको एनोनिमस फंक्शन दे देते हैं, थोड़ा सा और मजीद समझ में आएगा आपको। फंक्शन को रिमूव करना कीवर्ड एग्जैक्ट वहां पे वार लिख दो दोस्त और स्पेस दे के वही प्राइम इक्वल्स टू फंक्शन एनोनिमस फंक्शन। अब आपको ये लगता है कि जो हमने नीचे वाला फंक्शन है वो उठा के ऊपर डाल दिया लाइन नंबर 9 पे और जो काम हम लाइन नंबर 13 पे कर रहे थे वो ही काम लाइन नंबर 18 पे कर रहे हैं, स्पेसिफिक एक वेरिएबल के अंदर फंक्शन का नाम लेके। यस सर। यस सर। ए बी में वैल्यू और इंडेक्स आ जाएंगे। हाँ ऐसे ही है ना, इसका भी नाम अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा और नाम चेंज कर दो तो फंक्शन एक ही जैसे हो जाएंगे, ए बी की जगह वैल्यू और इंडेक्स जी। तो आपको ये बिल्कुल सिमिलैरिटी नजर आ गई कि जो हम नीचे फंक्शन पूरा फंक्शन हम दे दें एनोनिमस फंक्शन, अब हम वेरी स्पेसिफिक फंक्शन एनोनिमस फंक्शन को किसी वेरिएबल में सेव किया या फंक्शन बना लिया और वो फंक्शन का नाम या वेरिएबल दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है? यस यस। तो ये हो सकता है, ये चला के दिखा देता हूँ, ये दोनों में सेम चलेगा। ठीक है चला लो लड़के एक दफा इसको। इसकी लेंथ कहाँ पे लेंथ ये ऊपर करना पड़ेगा। अरे नहीं हाँ ये चलेगा सही है, सही बिल्कुल सही कहा। ये देखें वैल्यू वाली इंडेक्स 0 और नीचे वैल्यू और जो नीचे लास्ट वाले है ना लास्ट वाला चला हुआ है फंक्शन वाला अली 0 एसएन 1 स्टार्ट 2, क्योंकि फंक्शन में हमने इसी तरीके से लिखा हुआ है ना कंसोल के अंदर वैल्यू कॉमा इंडेक्स, तो वैल्यू वाली थी इंडेक्स 0 एसएन वैल्यू थी इंडेक्स 1 और ऊपर वाले फंक्शन के अंदर जो था एनोनिमस फंक्शन में हमने दो लाइन अलग अलग लिखी हुई हैं, ऐसे ही है वैल्यू अली इंडेक्स 0 वैल्यू एसएन इंडेक्स 1। समझ में आती है बात जी? इसको और क्लियर करते हैं, इसको और क्लियर करते हैं, टेंशन नहीं है। पहले तो ये देख रहे हैं वापस कोर्ट पे आ जाना दो मिनट के लिए लड़के। अब देखो लूप हमने पढ़ा, हमने फोर ईच का लूप पढ़ा, अब देखिए काम करने के लिए देखिए सफाई कितनी होती है। अगर आप लाइन नंबर 17 देखिए, अगर आपको कोई चीज अगर ऐसा करना है काम तो ठीक है, एक ही फंक्शन बना दिया आपने प्रिंट नेम का और प्रिंट नेम के अंदर आपने डायरेक्ट नेम प्रिंट करवा दिया, पॉसिबल है वो फंक्शन आप कहीं भी यूज कर सकते हो इस फॉर ईच के फंक्शन में भी और इटसेल्फ भी।
फंक्शन का जो बेस यूज है उसका एसेंस है वो आप यूज कर सकते हो, कि हम उसको रीयूज कर सकते हैं बार बार कहीं भी। सही है, ठीक है। और यही वाला काम अगर मैं थोड़ी देर के लिए और आपको और अच्छे तरीके से बताऊं, तो यही जो 8 से नंबर 9, 8 से नंबर 10 तक की लाइन है उसको हम कट करके अगर नेम्स के नीचे डाल दें, एक मिनट करना लड़के, ये वाला काम 8 से लेके 10 तक की लाइन नेम्स के नीचे डाल दो, लाइन नंबर थ्री पे। हाँ, अब जरा देखिएगा कोड और कितना क्लीन नजर आएगा आपको, पेस्ट करो तो। और यही प्रिंट का फंक्शन है ना, लाइन नंबर 9 पे कॉल कर दो, प्रिंट नेम लाइन नंबर 9 पे कॉल कर दो, रिमूव कर दो कंसोल को, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू हो गई और इंडेक्स है तो खत्म होगा नहीं। हाँ, क्या ये कोड आपको और क्लीन होता हुआ नजर आ रहा है? एक फंक्शन बनाया उसको प्रॉपर तरीके से यूज कर लिया। अब यही प्रिंट नेम का फंक्शन क्या मैं लाइन नंबर 12 और 13 और 14 की जगह यूज कर सकता हूँ? Yes. 14 रिमूव करो और प्रिंट नेम का फंक्शन ही कॉल कर दो। वैली सर दोनों, हाँ हाँ 13 और 14 दोनों कंसोल रिमूव करो और सिर्फ प्रिंट नेम का फंक्शन यूज करो। अब बताओ दोस्तों आप के कोड कितना क्लीन हुआ, पहले कैसा लग रहा था और अब देखने में कैसा लग रहा है? आपके सामने ही हुआ ना, मतलब कोई ऐसी चीज की मैंने के, हाँ मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की जो आपने नहीं पढ़ी हो, और या अब ये बस काम करने का तरीका है। आपको पता है यार मुझे एक चीज रीयूज करनी है तो उसका एक प्रॉपर फंक्शन बना लूं, उसको रीयूज करूं, जैसे मैंने प्रिंट नेम का फंक्शन बनाया है। अब ये देखिए कोड से सारा कंसोल गायब हो गया, एक ही जगह पे कंसोल पड़ा हुआ है प्रिंट नेम के अंदर, काम आप सारा जगह सेम ही कर रहे थे, बार बार रिपीटेशन चल रही है हमारे केस में। समझ में आती है? चलें आगे थोड़ा सा और चलें, ठीक है। ये सर इसको कमिट कर देना, लाइन नंबर 4 से 16 तक कोड कमिट कर दो। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा मैप। मैप के लिए पहले एक फोर ईच वाला फोर ईच वाला ही ले लो, सिंपल सा। अब मुझे आपसे काम है, आप लोग मुझे बताइए लाइन नंबर 2 पे सारे नेम्स लिखे हुए हैं, मुझे इसके आगे प्रीफिक्सर्स लगाने और एक नई एरे बनानी है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं दो तरीके हैं, या तो मैं नेम्स की एरे को छेड़ूंगा तो नेम्स की जो एक्चुअल एरे है जिसमें अली एहसन और साद लिखा हुआ है वो चेंज हो जाएगी। क्या हमें हमेशा एक्चुअल एरे को चेंज करना चाहिए, सवाल है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अब इसके लिए मुझे ये करना है कि मुझे इसके आगे प्रीफिक्सर्स लगाने हैं, लाइक मिस्टर मिसेस व्हाटएवर, जो भी आपको प्रीफिक्सर्स लगाना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई एरे का बनाना पड़ेगा, इनिशिएट करनी पड़ेगी, उसके अंदर फिर पुश करवाते रहना पड़ेगा, आइट्रेट करके, ऐसा है? यस सर, ऐसे ही है, सही है ना? करके देखते हैं, पहले आइट्रेट कर दो कि फोर ईच के साथ ना जल्दी से नई एरे बना के। हाँ सही है, एक एरे भी बना लेना अपडेटेड एरे करके, या प्रीफिक्सर्स व्हाटएवर न्यू एरे बना लो ऊपर, ताकि इन लोगों को पता चले। फॉर ईच ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है, फॉर ईच ऑब्जेक्ट भी वर्क करता है। सॉरी, फॉर ईच ऑब्जेक्ट में वर्क करता है या सिर्फ एरे? फॉर ईच ऑब्जेक्ट में नहीं वर्क करता, लेकिन कुछ तरीकों से कर सकता है। उसके आई थिंक सर हमने ऑब्जेक्ट डॉट कीज और ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज के फंक्शन मेथड लास्ट क्लास में बताए थे ना, आई थिंक? नहीं बताया। अच्छा, जब पढ़ेंगे तो उनके जरिए हम कर सकते हैं। Itself, और ईच जो है ना वो ऑब्जेक्ट पे नहीं चलता, वो सिर्फ और सिर्फ एरे पे चलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा बस। हाँ, आगे तरीके हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मुझे प्रिंट करवाना हो किस तरह करूंगा, पॉसिबल है, वो हम देखते हैं थोड़ी देर में ना। सर क्या करवाना था, मैं भूल गया। हम मैप करवा रहे थे ना प्रीफिक्सर्स, मिस्टर और मिसेस लगा, मिस्टर लगा देना सब नाम के आगे और उसको न्यू एरे में सेव करवाना है, बस सिंपल।
तो ये कंकैटिनेशन हो रही है। यस दिखाइएगा। हाँ ये कंकैटिनेशन हो रही है बिल्कुल। हमने प्रीफिक्सर लगा दिया। अगर कंसोल हमने करवाया नहीं इसको कंसोल भी करवा लेते हैं। लास्ट में करवाना पड़ेगा ठीक। हाँ अगर मैं इसी के अंदर कंसोल करवाऊंगा तो क्या होगा जरा आप लोग भी मुझे बताइए। अगर मैं फोर ईच की लाइन नंबर 21 के नीचे कंसोल करवा दूं न्यू एरे को क्या होगा? क्या मतलब सारे वापिस बोलेगा? नहीं नहीं मुझे अभी ये वाला बताएं अभी क्या होगा। हर किसी में मिस्टर ऐड करने के बाद ही कंसोल करेगा। हाँ अब ये क्या करेगा जितने भी एरे के अंदर आइटम मौजूद हैं हर दफा उसको आइट्रेट करेगा और पूरी एरे आपको शो करके देगा। क्या ये सही तरीका है ज्यादा देखने के लिए या सही तरीका है कि भाई पहले आइट्रेट करो एंड में रिजल्ट दिखा दो? एंड में रिजल्ट दिखा एंड में दिखा दे। तो ये थोड़ा मतलब ये कोडिंग के लिए सोचना पड़ता है ये सारी चीजें कि अगर मैं अब करूंगा तो अभी इसमें क्या होगा। तो ये ना ड्राई रन कोड को करना सीखे अपने माइंड के अंदर कि अच्छा अभी क्या होगा ये कोड एक दफा लूप चलेगा कंसोल होगा तो अभी एक न्यू एरे के अंदर एक आइटम शो होगा फिर दूसरी दफा चलेगा तो न्यू आइटम के अंदर दो आइटम शो हो गए फिर तीन चार पांच सही है। तो इसका मतलब ये हमेशा चलता रहेगा। क्या ये सही तरीका है या तो ये कि मैं एक दफा सबको ऐड कर लूं फिर आखिर में चेक कर लूं क्या अपडेट हुआ क्या नहीं हुआ खत्म कहानी। यस लास्ट में चेक हो लास्ट में चलना चाहिए। यस तो मतलब ये सारी चीजें ना कोडिंग करते हुए सोचनी पड़ती है तो आप जरा ध्यान दें चीजों पे भी। हाँ अगर जरूरत है हर दफा लूप के अंदर प्रिंट करवाना किसी वजह से तो फिर ठीक है वरना तो जरूरत नहीं है। तो फिर ये देखें ये आपके पास प्रीफिक्सर के साथ एक न्यू एरे बन गई। अब हम देखते हैं मैप को। एक हमारे पास एरे के अंदर एक और हमारे पास वो मौजूद है प्रोटोटाइप मैप फंक्शन मौजूद है वो क्या करता है जरा देखिएगा। सर एक फंक्शन बना ले पहले। नहीं नहीं डायरेक्ट अब मैप में करो ये लोग करते रहेंगे अब इनको समझ में आ गई ना। एक मिनट वो वाला पुराना कोड रहने देना लड़के नीचे कर दो एक और न्यू एरे क्यों पड़ी कर दो कोशिश करो पुराना कोड रहने दो ताकि हम ये इनसे के साथ लास्ट में शेयर कर देंगे। एक मिनट देना दोस्त। अच्छा सही है। ठीक है जबरदस्त जबरदस्त। क्या इसको अब हम चला के देखते हैं और आप जरा बताइएगा कि क्या हुआ इसमें ना। एक देखें अब लाइन नंबर जो हमारी थी लाइन नंबर बताना कौन सी थी हमारे पास 26। लाइन नंबर 26 पे देखिए थोड़ा सा और जादू हो गया। पहले आपने लाइन नंबर 20 देखा। लाइन नंबर 20 पे दो तरीके थे फोर को इनिशियली अगर आप गौर से देखें तो फोर जो हमने पुराना वाला पढ़ा था क्या उसके थ्रू भी लाइन नंबर 20 पे हम काम कर सकते थे आई लेते लेट वार इक्वल्स टू सारी चीजें करके एंड देन फोर का लूप यूज करते पॉसिबल था फोर के लूप से? यस सर कर सकते थे। हमने थोड़ा सा आसान कर दिया फोर ईच से ऐसा हुआ लिखना कम पड़ा बिल्कुल सर काम वही हुआ। अब लाइन नंबर 26 देखें लाइन नंबर 20 के ऊपर प्रॉब्लम ये थी कि आपको न्यू एरे बनानी पड़ी और फिर उसके अंदर आपको पुश करने पड़े करना पड़ा। लेकिन लाइन नंबर 26 पे क्या हुआ आपने कोई एरे नहीं बनाई ना कुछ पुश किया आपने मैप के अंदर एक रिटर्न का कीवर्ड यूज किया। रिटर्न का कीवर्ड क्या करता है ये करता क्या मैं मैप बताता हूँ। मैप भी वही करता है पूरे लूप को अपने पास आइट्रेट करता है ठीक है लाइन बाय लाइन चलेगा 1 2 3 4 आइटम्स वाइज आइटम्स चलेगा और रिटर्न करता रहेगा। जो आप यहाँ से रिटर्न करेंगे ना वो एक नए एरे के अंदर वो क्या करता रहेगा उसको स्टोर कर देगा स्टोर करता रहेगा। हाँ तो ये क्या करेगा एंड में क्या करेगा जो आपके पास न्यू नेम्स के अंदर जो मिलेगी वो अपडेटेड एरे मिलेगी। लेकिन क्या इसने नेम्स को छेड़ा होगा सवाल है इसी नहीं सर। हाँ फिर देखने के लिए हम करते हैं लाइन नंबर 21 पे एक और कंसोल लगा देते हैं नेम्स के ऊपर एंड देखते हैं कि क्या वाकई में इसने नेम्स को भी छेड़ा या इसने नई एरे बना के दी ये भी तो टेस्ट करना है ना हमें।
हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, चेक कर लेते हैं इसको। नहीं सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नहीं देखो टेस्ट करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ये तो आ रहा है ना, हमें तो पता है कि ये नहीं होता, लेकिन अभी आपका फेस ऐसा है आपको ये चीजें खुद टेस्ट करनी है। मैं कह रहा हूँ तो एक अलग चीज है, लेकिन आपको खुद चेक करना है क्या क्या वाकई में चेंज हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, ठीक है। तब देखिए थोड़ा सी जिंदगी आसान हुई आपकी मैप के थ्रू। यस यस सर। अच्छा इधर बैक करना, मैप के साथ एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, यहाँ से रिटर्न कर दो जीरो जबरदस्ती का, क्या होगा? अब क्या होगा जरा बताइए। अभी जो मैंने पहले लॉजिक आपको बताई कि मैप किस तरह चलता है, उसी को लाइन में रखते हुए क्या करेगा? सही है। अच्छा आपने सही है, आपका माइंड में ये है कि मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया तो वो इंडेक्स रिटर्न करेगा। न्यू नेम्स में सारे जीरोस आ जाएंगे, जितने नेम्स में जितने एलिमेंट्स हैं उतने जीरोस न्यू नेम्स में होंगे। सही है। मतलब देखिए मल्टी हेलो यहाँ पे जो रिटर्न में आप जो देंगे ना वो रिटर्न करेगा सिंपल से वर्ड्स में। अगर यहाँ पे मैंने जीरो दे दिया तो अब ये क्या रिटर्न करेगा? जीरो जीरो रिटर्न करेगा। अच्छा ये याद रखना कि मैप हमेशा कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। मैप में अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। जरा लाइन नंबर 27 को वो कर देना कमेंट और चला के दिखाना क्या होता है। कुछ रिटर्न नहीं किया मैंने, क्या आ गया? अनडिफाइंड, क्योंकि मैप कहता है कि मैं जितनी दफा चलूंगा उतनी दफा रिटर्न करूंगा। अब आपने कुछ रिटर्न नहीं किया तो उसने अपने पास क्या? अनडिफाइंड, कुछ भी रिटर्न अनडिफाइंड। तो इसके अंदर आपको रिटर्न करना है। मैप जब भी यूज करेंगे मैप के अंदर हमेशा क्या होगा? रिटर्न। ये आपको याद रखना है, ठीक है, बैक करना। अब अगर मैं जीरो देता था रिटर्न जीरो करूंगा तो हर जगह पे क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। चला के देख लेते जल्दी से भी, ठीक। अच्छा अब यहाँ से अगर क्या मैं ऑब्जेक्ट दे दूं रिटर्न ऑब्जेक्ट होगा? यस यस सर, होना तो चाहिए ये। बिल्कुल होगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सब कुछ होगा यहाँ से, आप जो रिटर्न करेंगे वो रिटर्न होगा। ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा, एरे रिटर्न करेंगे तो एरे भी हो जाएगा, एरे रिटर्न होगा। तो ये एक अच्छी चीज है कि यहाँ से आप जो रिटर्न करेंगे वो करेंगे। इससे लेना देना नहीं है कि आपके पास वैल्यू क्या आ रही है। जैसे मेरे पास स्ट्रिंग आ रहा है तो मैं नंबर भी दे रहा हूँ रिटर्न में, नंबर दे रहा हूँ ना अगेंस्ट में। तो या स्ट्रिंग आ रहा है, हाँ स्ट्रिंग आ रहा है तो मैं ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ रिटर्न में, ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। तो कोई लेना देना नहीं है, आप जो रिटर्न करेंगे वो जाएगा। मतलब ये कोई वो नहीं है, इसमें आपके पास कोई वो नहीं है, शराइत मौजूद नहीं है कि आपको ये करना है ये करना है तो ये होगा। नहीं, आपके पास कुछ भी है आप उसको किसी भी तरीके से चेंज करके रिटर्न करवा सकते हो। तो वो जितने आइटम होंगे उस आइटम के उतने रिटर्न करके एक न्यू आइटम बना के दे। यस कहा, हाँ अभी करके देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एरे कर्ली ब्रैकेट की जगह स्क्वायर कर देंगे तो एरे के अंदर क्या आ जाएगा? एरे के अंदर एरे आ जाएगा, यानी पूरे को देखें करते इसको, हाँ वी कर दो इधर, ठीक है सही है। रन करके दिखा दो इनको कि एरे के अंदर अब एरे आ जाएगी, क्योंकि एरे तो देगा ही देगा। अब हर आइटम आपका क्या है वो आप पे डिपेंड करता है। हर आइटम आपका नंबर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकती है, और साथ साथ क्या हो सकता है? फंक्शन भी हो सकता है। क्या yes, ऐसा हो सकता है कि मैं यहाँ से फंक्शन रिटर्न कर दूं कोई? यस 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 हो सकता है। तो आप जो फंक्शन रिटर्न करोगे एरे, अब किसकी फंक्शन की एरे बन जाएगी पूरी की पूरी? मैप समझ में आया आपको? सही है। यस सर। थोड़ी समझ में आया, मतलब फॉर ईच से भी स्ट्रांग है। हाँ आसानी हो गई ना? यस सर। अच्छा अब यही है कि अब यूज कब करना है, ये मेन सवाल है। अब एक आपसे क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, जरा फोर ईच पे आते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दो मिनट के लिए छोड़ते हैं यहीं पे, अब हम आते हैं फोर ईच पे। ये फोर ईच पे हमारे पास पहला आइटम क्या आता है जरा देखना, वी वी के अंदर वैल्यू आती है। नहीं नहीं वी के अंदर मतलब नेम क्या है, पहला नेम क्या? अली है शायद, जरा स्क्रॉल अप करके। जी सर, जी सर, अली है, अली है, ठीक है। अच्छा अभी कंडीशन लगाओ, इफ वी इक्वल्स टू अली,
अली, ठीक है, हमने फोर के फोर के अंदर पढ़ा था ब्रेक करना, लूप को तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, इटरेट ना करे दोबारा, इधर ब्रेक कर दो लड़के। ओके सर, अगर अली है तो ब्रेक करके बाहर आ जाए। यानी क्या मतलब, एक ही दफा चलना चाहिए इसको? यस सर बिल्कुल, एक ये एरर भी दे रहा है, एरर भी है लेकिन ये चल जाएगा, लेकिन क्या एरर है जरा पढ़ के देखते हैं, जरा दिखाना इसको। जंप टेक्निकल नॉट क्रॉस फंक्शन बाउंड्री, क्या कहना है, क्या मतलब इसका, कुछ समझ में आता है? जंप टारगेट कैन नॉट क्रॉस फंक्शन बाउंड्री, ये जरूरी नहीं है आपकी तरफ एरर आए, इनके पास कोई एक्सटेंशन लगी हुई होगी ना तो ये एरर, वरना ये एरर नहीं आता। ठीक है, अभी इसको चला के देखते हैं। इसके सॉरी, इसके नीचे एक और कंसर्न कर दो अली, ताकि ये पता चले। यही है, इधर ही आ रहा है, किसी वजह से इनके पास एरर आ रहा है, वरना फोर ईच के अंदर ना, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था, फोर ईच के अंदर ब्रेक नहीं चलेगा, अगर आपने गलती से लगा भी दिया ना ब्रेक फोर ईच के अंदर तो ब्रेक नहीं चलेगा, ये नुकसान है इसका। फोर ईच हमेशा पूरा राउंड अपना, पूरे जो एरे की आइट्रेशन है वो कम्प्लीट करेगा, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते फोर ईच को, फॉर ईच में। और सेम काम मैप में भी है, क्योंकि मैप को भी आप ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर आइटम पे ऑलरेडी आइट्रेट कर रहा है, तो और कुछ नहीं एरर रिटर्न करेगा, तो अगर आप कहोगे मुझे स्पेसिफिक काम करने के बाद उसको मुझे ब्रेक करना है, तो आप कर सकते हो फॉर मैप को? नहीं, नहीं कर सकते। ठीक है, सेम काम फॉर ईच में भी है, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। हाँ, तो इसके लिए फिर आपको कोड की तरफ जाना पड़ेगा, फोर का लूप यूज करना पड़ेगा। सही है, तो मतलब ऐसी चीज नहीं है कि ये पढ़ लिया तो पिछली चीजें आपकी जाया हो गई, अब परफॉर्मेंस की बातें आना स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, काम आपने वही कर रहे हैं सारे के सारे, आपके काम आसान भी हो गए, लेकिन कभी कभार ऐसी चीजें होती है जिस वक्त मैं चाहता हूँ कि यार सिर्फ तीन नाम में मुझे प्रीफिक्सेस लगाने, बाकी में नहीं लगाना, अब मैं क्या करूँ? फोर का लूप करेगा। नहीं, ये रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ये बग नहीं है, ये मतलब काम करने के तरीके है ना। हाँ, ये है ही ऐसा कि आप फोर इसको ब्रेक नहीं कर सकते, वो अपना काम पूरा करेगा, पूरी आइट्रेशन करेगा, मैप का काम यही है कि वो आपको आइट्रेट करके एक न्यू एरर रिटर्न करेगा, आप उसको बीच में ब्रेक नहीं करोगे। अगर आपको ऐसा कोई काम करना है तो फिर आपको वेरी स्पेसिफिक कौन सा कीवर्ड यूज करना, कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स फोर का। ठीक है, परफॉर्मेंस के लिए फोर का यूज होगा हमेशा, क्योंकि कोई सर्च वाला काम है, सर्च अगर मुझे करना हो 100 आइटम, आपके पास 1000 आइटम है, फोर ईच क्या करेगा, आपको फ्लैग बना के तो दे देगा, मिला या नहीं मिला, फाउंड और नॉट फाउंड, मैच्ड और नॉट मैच्ड, बट वो चलेगा तो सब पे ना, आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो फिर आपको थोड़ी देर के लिए आप ये सोचे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फोर का लूप। ठीक है, अब हम आते हैं और नए की तरफ, कंट्रोल जेड कर देना, इसको हटा देना फोर ईच से। एक चीज मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं, ये जो मैप है ये भी लूप इस्तेमाल होता है, ये उस कंडीशन में होता है कि जब आपके पास एरे पहले से बना हुआ हो, यानी आपने अगर एरे क्रिएट करना है तो फिर ये मैप और फॉर ईच जो है ना वो नहीं चलते, और अगर एरे जो है वो क्रिएट करना है तो फिर उसके लिए भी फॉर के लूप पे ही जाना पड़ता है, क्या ऐसा ही है सर? नहीं सर, समझ नहीं पाया आपका, मतलब सही आप भी कह रहे हैं ना, मैं समझ नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, सॉरी। आपके पास एक लिस्ट नहीं है, लिस्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो आप उसके ऊपर मैप, जाहिर है फिर मैप नहीं चला सकते, लेकिन फॉर लूप जो है ना वो लिस्ट क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। हाँ डेफिनेटली सही है, पॉइंट है कि जब हमारे पास ये फंक्शन सारे एरे के है ना, एरे होगी तो ही आप काम कर सकते हो, जैसे ये फोर ईच है, फोर ईच चलेगा कब, जब आपके पास एरे के ऊपर चलेगा एरे हो। ठीक है, मैप कब चलेगा, जब आपके पास एरे के अंदर आइटम्स मौजूद हो, डेफिनेटली ये आइटम्स के ऊपर ही चलेगा। फोर का लूप ये कि आप काउंट देके आप अपनी एरे बना सकते हो, अगर बनाना चाहो तो वेरी स्पेसिफिक कि 10 आइटम ऐड करना है, तो आपने 10 का लिमिट दी और आपने लूप चला के कोई भी काम करके एरे बना ली, ऐड करवा, ये कहना चाह रहे हैं डेफिनेटली। जी जी ठीक है, अच्छा अब हम काम करते हैं सर्च वाला, मंसूर
कंट्रोल जेड कर देना अली, कंट्रोल जेड, बस ठीक है, काफी है। बाकी कमेंट्स आप लोग ऐड करते रहिएगा जो दिल करे जिसका, ठीक है। अब हम करते हैं मैप हो गया, अब क्या कर देंगे, फिल्टर देखना। यस ठीक है, फिल्टर करते हैं। अच्छा अब हम आ रहे कि एक नई, हम दो प्रोटोटाइप हमारे पास, बल्कि तीन प्रोटोटाइप मौजूद है जिसके अंदर हमारे पास फिल्टर है, फाइंड है एंड देन रिड्यूस है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं हाथों हाथ। ठीक है मंसूर, ये कवर करवा दो आप। ओके अच्छा, जैसे सर ने बताया था कि नेम्स के अंदर से हम अली फाइंड कर रहे थे और वहां पे ब्रेक लगवा रहे थे। लेट्स से हमारे पास नेम्स का एरे है, इसके अंदर मुझे मैं ये कहूँ कि एहसन के अलावा नई एरे जो क्रिएट हो वो किसके साथ क्रिएट हो, अली के साथ, अली और साद के साथ, साद के साथ। तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, एक तो फॉर का तरीके से हम कर सकते हैं कि फॉर के अंदर हमने कंडीशन लगाई फॉर लूप के अंदर, और उसके अंदर क्या करते हैं हमने चेक करा कि अगर नेम्स स्पेसिफिक इंडेक्स बराबर है एसन के तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू स्किप कर देंगे वो स्टेप, सही है, ताकि वो पुश ना हो न्यू एरे के अंदर, ऐसे ही है। वो करके देखें पहले, देखा है सर, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये आ गई फॉर वार आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन इक्वल्स नेम्स नेम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, सही है। अच्छा मैं बाकी कमेंट्स बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ये देखें, सबसे पहले अब मैं एक न्यू एरे बना रहा हूँ, न्यू लिस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, वार न्यू फिल्टर्ड लिस्ट है नेम्स इक्वल्स टू नल एरे। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने कंडीशन लगानी है इफ नेम्स, सबसे पहले तो पुश करके देख लेते हैं, सही है, न्यू फिल्टर डॉट पुश और नेम्स एट इंडेक्स, सही है, कंसोल लॉग न्यू फिल्टर नेम्स, में कोई मसला नहीं है इसमें, सही है, पूरी आ गई, सेम कॉपी बन गई। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं, अगर नेम्स एट स्पेसिफिक इंडेक्स इक्वल्स टू एहसन तो क्या करो, ब्रेक कंटिन्यू, ब्रेक से क्या होगा, ब्रेक हो अली और साथ, हमने क्या किया एहसन को फिल्टर कर दिया। अच्छा इसका दूसरा भी एक तरीका है, एक और हम कर लेते हैं, इसी की कॉपी बना लेते हैं, सही है, वो क्या है नेम्स डॉट फिल्टर और यहां पे हमने फंक्शन, यहां पे वी आ गया, यहां पे हम रिटर्न करेंगे वी बराबर है किसके, एहसन के, एहसन के, क्या आउटपुट आएगा, दो नाम आएंगे सर, अली और साद। अच्छा कौन कौन कह रहा है कि दो नाम आएंगे अली और साद, सब सभी सर, सिर्फ एहसन आएगा, सर
सिर्फ ऐसा ना आएगा, सिर्फ ऐसा ना आएगा, फिल्टर हो गया, फिल्टर हो गया। हमने कंडीशन लगाई कि भाई वैल्यू अगर बराबर है एसन के तो ही रिटर्न करो, जो तो जिसमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हमें चाहिए कि एसन हमें नहीं चाहिए, तो इसमें हमें इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू एसन, सही है, आ गया सेम रिजल्ट, ठीक है, यस क्लियर है, बिल्कुल जो आप कंडीशन लगाओगे यहाँ पे रिटर्न वही करेगा जो कंडीशन देंगे, ठीक है सर। सर फिल्टर से थोड़ा सा मुगालता ये भी सर होता है कि जो वैल्यू देंगे वो उसको फिल्टर कर देगा, बाकी दे देगा, थोड़ा सा ये लग रहा नहीं, था। देखिए आपने कंडीशन वैल्यू देने की बात नहीं हुई, हमने कंडीशन यहाँ पे कौन सी लगाई, हमने तो वैल्यू तो पहले भी ऐसा दी थी, अभी भी ऐसा दी है, हमने यहाँ पे नॉट दिया, हाँ हमने कंडीशन क्या लगाई ये देखे ना, ठीक सही है, यस। अच्छा अब हम क्या करते हैं, होगी तो वो रिटर्न, सॉरी सर मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही, आई थिंक इंटरनेट का इशू है, मेरी तरफ से या नहीं, उनकी तरफ से ही हुआ है, वो कह रहे हैं कंडीशन ट्रू होगी तो वैल्यू आएगी, बिल्कुल। अच्छा सर एक बात क्वेश्चन है, अगर इस फिल्टर में हमें वो इंडेक्स चाहिए हो जिसमें एसन है तो हम ले सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे जैसे देखें मैप फॉर ईच, मैंने यहाँ पे मैप के अंदर क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि सर ने आपको यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि हम यहाँ पे इंडेक्स आता है, ये रिक्वायर्ड नहीं होता, तो यहाँ पे आप इसको अगर जरूरत है तो यूज कर लो, अदरवाइज आप इसको जरूरत नहीं हो तो आप पास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, तो अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ पे आई पास कर दो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैल्यू आ रही है पहली, और दूसरी इंडेक्स है, और तीसरी वो एरे जो रिटर्न करेगा, सही है। ओके सर। अच्छा एक चीज का ख्याल रखिएगा, जैसे हमने मैप के अंदर हमने देखा था रिटर्न हम कुछ भी करवा सकते हैं ना, लेकिन फिल्टर के अंदर रिटर्न हमेशा बुलियन होगा, अगर आप गौर से देखें v is not equals to हेलो हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि फिल्टर के अंदर बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, आपको रिटर्न बूलियन करना है, या तो ट्रू करना है या तो फॉल्स करना है, सिंपल से वर्ड में। यहाँ पे अगर मैं एसएन को सिर्फ और सिर्फ रिटर्न कर दूं तो क्या होगा, करके देखना, गलती से लेट से आपने गलती कर दी और सिर्फ एसन को रिटर्न कर दिया या कोई भी वैल्यू रिटर्न कर दी, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, तो अभी हम एसन है तो हम एसन को ही रिटर्न करते हैं, क्या हुआ सर? तीनों नाम आ गए इसमें क्यों सर? क्योंकि वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगा, यस ये ऑलवेज ट्रू हो गया, यही समझाना चाह रहा था। तो आपको यहाँ पे बुलियन वैल्यू देनी है, ठीक है, अगर आपने ए बी सी एक्स वाई जेड या वन टू थ्री दे दिया, कुछ भी दे दिया, तो वो आपके केस में ट्रू दी वैल्यूज है, ट्रू दी वैल्यूज में ट्रू समझेगा वो हर रिजल्ट पे। अगर मैं यहाँ पे फॉल्स दे दूं क्या रिटर्न होगा? कुछ भी नहीं आएगी, नथिंग नथिंग, ठीक है, यस। तो आपको हमेशा ये ख्याल रखना है कि फिल्टर हमेशा बूलियन लेता है, व्हाट एवर केस कंडीशन, समझ आप? सर सर एक क्वेश्चन जी सर, अगर रिटर्न ट्रू या फॉल्स हो रहा है तो फिर न्यू फिल्टर नेम्स में एरे कैसे बन जाएगी? ये फिल्टर खुद ही आपके लिए हैंडल कर रहा है, वो देखता है कि ट्रू पे क्या काम करना, फॉल्स पे क्या काम करना, सिंपल सी वर्ड्स में आपको ये समझाता हूं, ठीक है। तब देखें v इज नॉट इक्वल्स टू इक्वल्स टू sn, तो सारे आइटम्स आ रहे होंगे, कहीं पे ट्रू जा रहा होगा कहीं पे फॉल्स जा रहा होगा, तो फिल्टर को पता है कि मुझे क्या करना है, फिल्टर ट्रू में क्या होगा, फिल्टर फॉल्स में क्या होगा, ये आपको भी समझ आ दिया, तो ये सिंपल सी बात है, मतलब ये काम जो कर रहा है वो आपके लिए फिल्टर कर रहा है। और अगर यही काम अगर मैं इसमें कर दूं मैप के अंदर, तो आपके पास एरे के अंदर रिटर्न क्या आएगा अगर यही वाली कंडीशन में लगा दूं?
मैप, अगर ये फिल्टर यहाँ पे फिल्टर की जगह मैप करना, दो मिनट के लिए कीवर्ड चेंज कर दो सिर्फ। हाँ आप चला दिखाओ ट्रू या फॉल्स आएगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो जो मैच हो गया वो ट्रू, जो मैच ना हुआ वो फॉल्स। फॉल्स हो गया, समझ में आती है बात। फिल्टर के अंदर बुलियन जाएगा, मैप के अंदर आप कुछ भी रिटर्न करवा दो, तो जो रिटर्न करवाओगे वो एरे के आइटम के अंदर सेव हो जाएगा, उस एरे के इंडेक्स के आइटम पे। एंड देन फिल्टर के अंदर ये है कि बुलियन वैल्यू के ऊपर वो सजेस्ट अपने आप में कैलकुलेशन करता है कि क्या देना क्या नहीं देना, वो सारी फंक्शनलिटी फिल्टर के अंदर ऑलरेडी पहले से लिखी हुई है। क्या ये मैं भी बना सकता हूँ और अपना फंक्शन बनाऊँ जिसमें फोर का लूप बनाऊँ और ये सारा काम कर दूँ, पॉसिबल है वैसे? यस सर पॉसिबल है ना, ठीक है चले आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और ये फिल्टर हो गया ठीक है, अब हम क्या करते हैं फाइंड फाइंड करते हैं। आप मुझे करके बताइएगा, इसमें एक कंसोल भी लगा देना लड़के एक दफा, फिल्टर के अंदर ना एक दफा कंसोल लगा दो रिटर्न से ऊपर, और फाइंड भी चलाना और फाइंड में भी कंसोल लगाना, फिर इनको इनसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ, मतलब जादू क्या हुआ, देखते हैं। थ्री कर देता हूँ सर। आंसर क्या आएगा अब इसका, न्यू फिल्टर नेम थ्री के अंदर क्या आएगा? फर्स्ट वाले में तो क्लियर है, फर्स्ट वाले में तो अली और साद आएगा, सेकंड में क्या आएगा? इंडेक्स नंबर। अच्छा तो मतलब हमने इंडेक्स नंबर रिटर्न कर दिया है? इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा जहां पे वो फाइंड इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा सर, ऐसा के अलावा शायद वैल्यू शो कर दे। सही कंसोल में मूव कर दूं अंदर वाले? अली आ गया सारे। जी जी कर दे कर दे। अब देखें हम कहां थे। अच्छा ये इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखें पहले में क्या आया, अली एंड साद। अली साद फिल्टर के अंदर, थ्री के अंदर सिर्फ अली के अंदर हमने क्या कंडीशन लगाई थी कि हमारी वो वैल्यू रिटर्न करो जो एसएन के बराबर नहीं है, तो क्या अली एसएन के बराबर थी वैल्यू? नहीं। तो जब उसने देखा ना कि अली बराबर नहीं है तो वहीं से ब्रेक करके उसने रिटर्न कर दी वैल्यू, गया ही नहीं। अच्छा नाइस नाइस कूल। जैसे मैंने कहा ये बराबर हो एसन के तो ये रिटर्न एसन आएगा। ये समझ लें आपके लिए वो वाला काम कर रहा है फिल्टर या मैच वाला, कि अगर मैच हो गया तो जहां पे भी मैच आएगा वहां पे आपकी एरे को क्लोज कर देगा, ब्रेक कर देगा। तो ये मतलब ये समझने वाली बात है ठीक है, मतलब फिल्टर भी वही काम करके दे देगा आपको, फाइंड भी वही करके दे देगा किसी तरीके, लेकिन फिल्टर में ये कि वो सारी एरे पे एंड तक चेक करेगा के अगर क्या बता, सात के नाम दो एरे के अंदर तो एसएन के नाम दो तो फिल्टर सबको हटा देगा। फाइंड में ये कि वो पहले भी मतलब फाइंड में ही करेगा ठीक है, जहां पहला मिल गया वहीं पे खत्म, आपका एरे खत्म, आइट्रेशन खत्म। चले अब हम एक और चीज देखते हैं मजेदार, रिड्यूस। मेरे पास नंबर्स की एरे पड़ी हुई है ऊपर। जी सर है। ठीक है आप लोगों से सवाल है, अगर मुझे नंबर्स की एरे को ऐड करना हो मैं क्या करूंगा? सम करना है, जैसे ये जितने भी नंबर्स हैं 1000 2000 तो इनको सम करना, 1+2+3+4+5 इस तरीके से क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने। जी जी बस 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 काफी है। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, पहले तो आप ये बताएं फिर हम आते हैं रिड्यूस की तरफ कि वो क्या करके देगा आपको, ताकि आपको पता हो ना कि फर्क क्या है। क्या ये काम मैं फोर के लूप से कर सकता हूँ, एक वेरिएबल बनाऊं? यस सर बिल्कुल। फॉर ईच से भी हो सकता है, जबरदस्त हो गया। मैप से हो सकता है? मैप से भी हो जाएगा।
मैप से कैसे होगा? मैप से नहीं है रिटर्न करेगी ना, सब नहीं देगा ना? यस, क्या फिल्टर से हो सकता है? नहीं सर वो तो सर सिंपल फिल्टर नहीं हो सकता करके दे देगा। फाइंड से हो सकता है जी? अब देखे रिड्यूस से क्या होता है, रिड्यूस ये सम के लिए यूज नहीं होता, बहुत सारे काम के लिए होता है। पहले हम सम की एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? ठीक है मंसूर, सम करवा देना है। फॉर के लूप सर? नहीं नहीं, सम रिड्यूस से डायरेक्ट ये लोग अब कर लेंगे, प्रैक्टिस फॉर के लूप से भी कर लेंगे ये लोग। तो आप लोग ये प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग खुद ही प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी, हम डायरेक्ट सम पे चलते हैं। एरे डॉट रिड्यूस। अच्छा इसके अंदर सबसे पहले आपके पास वी आ जाएगा, वैल्यू आ गई, आई पहले एक्यूमुलेटर आता है और फिर वैल्यू आती है। और सर इनिशियल नंबर यहीं पे आएगा ना? एक मिनट को आप लिखो, वी की जगह लिखो एसीसी। ओके सर। और आई की जगह वी लिखो। ओके ठीक है, अब इन दोनों को प्रिंट करवा के दिखाओ, इनको कंसोल कर दो। अच्छा अब ये एक चीज का ख्याल रखिएगा, रिड्यूस है ना दो चीजें लेता है, यानी दो आर्गुमेंट्स लेता है आपसे, पहला फंक्शन हाँ और दूसरा, हाँ मस्ट है, ये मस्ट है इसके लिए, और दूसरा कोई इनिशियल वैल्यू। ठीक है अब इनिशियल वैल्यू क्या है वो मैं बताता हूँ। ये फंक्शन हो गया, फंक्शन के बाद कॉमा देना दोस्त, फंक्शन क्लोज होने के बाद, और इनिशियल वैल्यू हम लोग कहते हैं हमारे सम की होगी इनिशियल वैल्यू जीरो। यहाँ पे लाइन नंबर 61 फंक्शन क्लोज होने के बाद कॉमा जीरो, लाइन नंबर 61 हाँ कॉमा जीरो, ठीक है? और रिटर्न करवाओ, यहाँ से रिटर्न आप करवा दो, कुछ भी करवा दो, अभी जीरो ही रिटर्न करवा दो। ठीक है चलो, अभी सिर्फ इसको रन करके देखते हैं कि होता क्या है, जरा गौर से देखिए क्या हुआ। जीरो, हाँ, नहीं नहीं ऑल रिटर्न तो जीरो, लेकिन वैल्यू भी प्रिंट हो रही है ना। अब जरा मैं, आप ये कंसोल अपने ज़हन में रखें, आप इस कंसोल को ज़हन में रखें, कोड को ज़हन में रखें, मुझे बताएं कि क्या नजर आ रहा है आपको इस कोड से और कंट्रोल से ना। यानी वी के अंदर आपको क्या मिल रहा है, आइटम्स मिल रहे हैं, एरे के वैल्यूज मिल रही है, जबरदस्त हो गया। और जो रिटर्न करवा रहा हूँ वो आपको क्या मिल रहा है आपको हर केस में, पहली दफा जब ये चलेगा तो एसीसी के अंदर क्या मौजूद होगा, ये जीरो, जीरो यानी ये इनिशियल वैल्यू। इसको इसको अगर मैं और थोड़ा सा, एसीसी का मतलब होता है एक्यूमुलेटर ना, मैं वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, ये एक मिनट दीजिएगा, ये जो जीरो है ना, ये जैसे ही फंक्शन रिड्यूस का चलेगा ना, तो इनिशियल वैल्यू, मैंने कहा था कि कोई भी हमें इनिशियल वैल्यू जरूर देनी पड़ती है, तो ये जो जीरो ये फर्स्ट टाइम में कहाँ पे सेव होगा, एसीसी में, फर्स्ट टाइम में। ठीक है अब जरा समझिएगा, हाँ अब जरा समझिएगा, ये फर्स्ट टाइम में जो भी इनिशियल वैल्यू सेव हुई है वो किस पे सेव हो गई, एसीसी के अंदर। अब जब ये रिटर्न कर रहा है ना, ये हमेशा जब भी रिटर्न करेगा जो भी रिटर्न होगा वो किस में सेव होता रहेगा, एसीसी में, एसीसी के अंदर। यानी एक्यूमुलेटर का मतलब ये कि सारी वैल्यू को वो एक्यूमुलेट करके किस में, एक वेरिएबल में स्टोर करेगा, उसके लिए हम लोग नाम यूज करते हैं एसीसी। ठीक है और ये जो जीरो है दिस इज योर इनिशियल वैल्यू, यानी एक्यूमुलेटर का पहला कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट होगा ना, या तो एरे होगी, ऑब्जेक्ट होगा, या जीरो होगा, या वॉट एवर माइनस वन जो दिल करे आपका। ठीक है इसको माइनस वन कर दो लड़के, एक मिनट के लिए
रिटर्न, हाँ अब चलाओ, अब जरा चलाओ इनको, जरा दोबारा से कंसोल दिखाता हूँ मैं इनको। देखिए पहली वैल्यू मैंने क्या कहा था, हमेशा पहली वैल्यू इनिशियल वैल्यू जो सेव होती है वो एक्युमुलेटर के अंदर सेव होती है, क्या वो हुई आपको नजर आई प्रिंट में? यस सर, माइनस वन। अब जो एक्युमुलेटर मैंने रिटर्न किया हमेशा वो सेव हो रहा है एक्युमुलेटर के अंदर, है ना, जो भी रिटर्न करूंगा वो सेव होता है एक्युमुलेटर के अंदर। तो इसके बाद कितने आ रहे हैं आपके पास एक्युमुलेटर में? जीरो। लाइन नंबर 61 में आपने जीरो दिया हुआ है, तो अभी हमेशा सेव हो रहा वेरिएबल कौन सा अपडेट हो रहा है आपका एक्युमुलेटर। यहाँ तक समझ में आई बात? यस सर, सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि एक्युमुलेटर रिटर्न जीरो की जगह आओ ए डबल सी प्लस वी टी वन नहीं वी वैल्यू, क्योंकि हमें एरे को सम करना है। और सर इसको अब जीरो कर दूं? हाँ, इनिशियल वैल्यू माइनस वन की जगह मैं वापस क्या कह देता हूँ? समझ में आई बात? अब आपके पास जो एक्चुअल एक्युमुलेटर आया हुआ वो कितना आया हुआ है? 82 लास्ट वाला, अगर आप गौर से देखें तो इसका मतलब ये हुआ रिड्यूस आपको ना हमेशा ना कोई एक्यूमुलेटेड कोई भी काम करना हो ना वो रिटर्न करेगा। यानी अब मेरे पास जो अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा तो मेरे पास एक्यूमुलेटर आएगा, यानी लास्ट वाला एक्यूमुलेटर क्या हुआ है 82, तो मुझे क्या मिलेगा 82। समझ में आई गेम? ये रिड्यूस काम है। हाँ वो भी 81 ही होगी डेफिनेटली, क्योंकि पहली दफा में क्या होता है माइनस वन प्लस, नहीं थोड़ा सा फर्क आ सकता है, माइनस वन प्लस वन जीरो हो गया पहली दफा में, यहाँ पे जीरो प्लस वन वन होगा एक्यूमुलेटर में। अगर मैं माइनस वन इनिशियल वैल्यू डाल दूंगा माइनस वन प्लस प्लस वन तो वो जीरो हो जाएगा। माइनस वन से डाल के दिखा दे हम। हाँ ये भी दिखा देता हूँ, देखिये अभी जीरो के साथ एक्यूमुलेटेड वैल्यू आ रही है इसकी 82, अब माइनस वन के साथ भी एक्यूमुलेटेड वैल्यू देख लेते इसके साथ थोड़ी कम आएगी, एक नंबर कम आएगी, 110% माइनस बन दिया है 81। अच्छा ये सिर्फ सम के लिए यूज नहीं होता, अब मैं वापस आता हूँ ठीक है। इसमें हम ऑब्जेक्ट से एरे बना सकते हैं, एरे से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। चले एक बार एग्जांपल करके देखते हैं ठीक है। अच्छा क्या नाम है लड़के, इसी को कॉपी पेस्ट कर दो नीचे भले, और इनको एक दफा सम ऑफ प्रिंट भी करवा के दिखा दो लास्ट पे ना, अंदर से कंसोल्स रिमूव कर दो, बल्कि कमेंट कर दो अंदर वाले कंसोल्स और ऊपर वाली एग्जांपल में करो लड़के, या नीचे वाली एग्जांपल हम चेंज करेंगे थोड़ी सी, दो कंसोल्स को आप वो कर दो कमेंट अंदर वाले और लास्ट में सम ऑफ को ना सम ऑफ नंबर को प्रिंट करवा दो, ताकि इनको एक आइडिया हो जाए कि जो भी काम हुआ रिड्यूस का काम ये कि एक्युमुलेटर रिटर्न करेगा एंड देन वो आपको सम ऑफ वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा सिंपल से वर्ड्स में। कैसे हुआ मुझे भी देखना है। तो लास्ट वाली वैल्यू प्रिंट नहीं हुई थी ना जो रिटर्न हुई है वो। अच्छा अच्छा सही है सही है। हाँ क्योंकि देखिए कंसोल हमने कहाँ लगाया हुआ है? उससे पहले लगाया हुआ है नीचे सर, पहले लगाया हुआ मतलब पहले, तो यानी एक्युमुलेटर प्लस वैल्यू तो हुई नहीं थी ना लास्ट वाली, जैसे 82 थी 81 थी तो 81 के बाद लास्ट वाली वैल्यू दिखाना ऊपर क्या ऊपर आई थिंक 55 थी तो वो 81 प्लस 55 करो तो कोई समथिंग ऐसी वैल्यू बैठेगी 110% सही है। तो ये आपके पास एक्युमुलेटेड वैल्यू। अब हम ये करते हैं कि हमारे पास ऊपर एरे मौजूद है नेम्स की, उसको बना उसको बनाते हैं ऑब्जेक्ट। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की? ऑब्जेक्ट की इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए दोस्तों? जीरो। जीरो जीरो क्यों? अब हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, खाली एम्प्टी ऑब्जेक्ट देंगे ना यार। अच्छा अब क्या ये कर सकता हूँ, लाइन नंबर 867 के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स
नहीं नहीं accumulated square brackets, sorry my bad, इसमें दे दो स्ट्रिंग के अंदर नेम, बल्कि स्ट्रिंग में नेम नहीं दो, इधर वो दे दो वी वी, ठीक है, और साथ कुछ भी दे दो वैल्यू इसकी, लेट्स से इसकी वैल्यू दे दो आप वी वी, वैल्यू भी वी दे दो, जरा बताइएगा क्या होगा यहाँ पे, एक ऐसा ही इक्वल्स टू इक्वल्स टू, ये ऑब्जेक्ट है ना, हाँ ऊपर वाली दोनों लाइन को कमिट आउट कर दो और नीचे सम को प्रिंट करवा दो, इसको छोड़ दो, हाँ जरा बताएं इसमें क्या जादू होगा, ये सम ऑफ नहीं करो, इसको लिख दो ऑब्जेक्ट नेम्स, नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट या व्हाटएवर, अब जरा सोचिएगा जो हमने पिछले काम किया था ना उसके हिसाब से जरा सोच के मुझे बताएं क्या होगा, हाँ क्या, सॉरी सॉरी हम लाइन बाय लाइन चलें, एक मिनट ड्राई कोड को रन करते हैं ना, सर, सही लाइन सर इसमें वो जो है ना एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें उसकी की वैल्यू भी वही होगी और उसकी वैल्यूज भी वही होंगी, जबरदस्त, अब देखिए ड्राई रन करते हैं इसको, जबरदस्त आपने सही बताया, बिल्कुल पहली दफा चला ये फर्स्ट दफा, तो ईसीसी के अंदर आपको क्या मिला, एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिला, बिल्कुल ठीक है, अब हमने करवाया रिटर्न, रिटर्न करवा रहे हैं तो हमने कहा कि एरे सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर एक वैल्यू इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं ना इसी तरीके से, ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी हो जो एग्जिस्ट ना करती हो तो वो क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड, एनएन तो नंबर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और क्या वो एरर देता है अगर वैल्यू मौजूद ना हो तो एक्सेस करने पे, नहीं देता ना, एरर देती है इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर वो एरर नहीं देती, अनडिफाइंड देगी, ठीक है, हमने ये कहा कि यार खाली ऑब्जेक्ट के अंदर इस प्रॉपर्टी के अंदर ये वाली वैल्यू डाल दो, क्या ये पॉसिबल है, होगी वैल्यू होगी तो अपडेट हो जाएगी, वैल्यू नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी उसमें, ऐड हो, ऐसा ही है ना, हमने यही पढ़ा था ना, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू होगी तो अपडेट करेगा, वैल्यू नहीं होगी तो वो क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा, ऐड कर, ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं, पहले रन करके देखते हैं अब थोड़ा सा, क्या क्या हुआ, मैं पूछ रहा हूँ ना, यही तो सवाल है, पूछ रहा हूँ, ये बताएं क्या हुआ, लास्ट वाली वैल्यू की मतलब, अब ये प्रॉब्लम है ना, ये एज पर माय थ्योरी इसको ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना है, मतलब ऑब्जेक्ट देना चाहिए था जो हमने बनाया था, जो हमने काम करना था कि एरे का ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन ये लास्ट वैल्यू रिटर्न कर रहा है, व्हाई, नहीं अच्छा इसी को सही इसी को सही करके दिखाता हूँ, मैंने रखा ही जानबूझ के ऐसा था ताकि आप समझना स्टार्ट करें, ठीक है, बैक करना कोड पे आना, ये जो रिटर्न का कीवर्ड है ना मैंने डायरेक्ट लगाया हुआ है, मैं इस रिटर्न को कीवर्ड को नीचे लगाऊंगा, रिटर्न ACC लाइन नंबर 67 से रिटर्न को रिमूव करना, नहीं नहीं रिमूव कर नहीं, कंट्रोल जेड करो, सिर्फ रिटर्न अनकमिट करो, सिर्फ रिटर्न का कीवर्ड है ना कट करो, हाँ अनकमिट करो और नीचे रिटर्न करो ACC, क्या अब समझ में आता है कुछ आपको, ACC में वैल्यू दी उसने, अब ये एक्यूमुलेटर में क्या प्रिंट, इस एक्यूमुलेटर में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसपे अपडेटेड आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, ऐसा है हमेशा, पहले क्या हो रहा था, पहले हम वैल्यू रिटर्न करवाते थे, पहले लाइन 67 थे, हाँ लाइन नंबर जो अगर आप पुरानी वाली देखेंगे, सर ये लाइन 67 दोबारा एक्सप्लेन कर दें,
मैं करता हूँ, एक मिनट इसको चलाएं, एक दोबारा चलाएं, रन करें कोड को। क्या अब जो एक्सपेक्टेड जो चाहिए था वो आया? यस सर, आ गया सर। अच्छा पहले क्यों नहीं आया, अब उसका भी रीजन दूंगा ना मैं आपको, बैक करो, क्योंकि प्रोग्रामिंग में जादू नहीं होता ना, रीजंस होते हैं। ठीक है, लाइन नंबर 67 को कॉपी पेस्ट करना और उससे पहले कीवर्ड लगा देना रिटर्न, ताकि समझाने के लिए, और उस लाइन को कमिट कर देना। ठीक है, अच्छा जरा गौर से देखिएगा, जब हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं तो क्या है, ये हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं, एक्यूमुलेटर रिटर्न करवा रहे हैं, या हम कोई वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम पूरे का पूरा सर ये होता है नहीं करवा रहे, यही मसला पहले मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम पहले ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करवाते, ऑब्जेक्ट तो एक्यूमुलेटर एसीसी पूरा ऑब्जेक्ट बनेगा, अगर मैं उसको रिटर्न करवाऊंगा तो हमेशा मेरे पास अपडेटेड वैल्यू आती रहेगी। पहले हम जो रिटर्न करवा रहे थे वो जो भी लास्ट वैल्यू होगी ना वो प्रिंट होगी, चल तो वो हमेशा हर लूप के लिए रहा था, सॉरी चल तो वो हमेशा हर लूप के लिए रहा था, लेकिन हम हमेशा उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, यानी एक्यूमुलेटर में हमेशा जो भी वैल्यू आ रही थी वो हम लास्ट में रिटर्न कर देते थे, तो साथ आ रहा था हमारे पास, हमें चाहिए था एरे को ऑब्जेक्ट बनाना, तो हमने एरे से ऑब्जेक्ट बनाया लाइक दिस। अब क्या हुआ, जो नाम वो वैल्यू, क्या पता हमें इसके साथ कुछ और भी काम करना हो, ये जो अब ये नाम लिखा हुआ है इसके आगे हम मिस्टर लिख सकते हैं, थोड़ा सा और कर सकते हैं, लाइन नंबर 67 में इक्वल्स टू है, नेम के साथ प्रीफिक्स उसमें ऐड कर सकता हूँ, कर सकते। अच्छा अब यहाँ पे वी क्यों लिखा मैंने, अब सवाल है, अब क्या ये वाला हमने देखा था डायनेमिक वैल्यूज किस तरह आती हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, अब ये देखा है, जब ये वी चलेगा पहली दफा वे वी चलेगा तो वी के अंदर क्या होगा, यूज चला वी में पहली दफा में क्या होगा, वैल्यू आ गई अली, अली अली आ गई। अच्छा अगर लाइन नंबर 67 के ऊपर जो वी लिखा हुआ है ना स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, उसको स्ट्रिंग में कर दो, जरा इसको आप चलाना, और एक मिनट चलाने से पहले मुझे आप लोग बताओ, बैक करना दो मिनट, अब क्या होगा, सबकी वी बन जाएगी, सबकी की वी बन जाएगी। ठीक है, ये भी एक मसला है, सबकी की वी बन गई तो क्या ऑब्जेक्ट के अंदर डुप्लीकेट प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं, सवाल है। नो सर। तो क्या होगा सर, फिर वो लास्ट उस की के साथ सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू आएगी, साथ आएगा ना उसमें, साथ आएगा साथ जो भी नाम है। ठीक है, जरा चलाना दोबारा, रन करना दोस्त, साथ नाम है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के एरे के अंदर जो लास्ट आइटम था वही आया, अब हमने कर दिया वी, अब वी का क्या मतलब है, पहली दफा चला वी का प्रॉपर्टी अपडेट हो गई अली, ऑब्जेक्ट ने सही काम किया। ठीक है, दूसरी दफा चला वी की वैल्यू अली से चेंज हो गई असद, सही काम किया ऑब्जेक्ट ने, सही है, वैल्यू मौजूद होगी तो अपडेट करेगा, वैल्यू मौजूद नहीं होगी तो ऐड करेगा, पहली दफा में ऐड की, दूसरी दफा में अपडेट की, और तीसरी दफा साथ की जब बारी आई तो उस दफा दोबारा चला तो उसने वैल्यू मौजूद थी वी, तो उसने वापस उसको भी अपडेट कर दी, यानी असद से अब क्या हो गया लास्ट में आपके पास सात, समझ में आई बात। तो अब मेरे पास डायनेमिक वैल्यू आ रही है ना, अब दो तरीके हैं डायनेमिक वैल्यू को लेने के, दो तरीके हैं, या तो मैं स्पेसिफिक वहां पे अपने स्ट्रिंग्स बना के डालूं, या तो कोई वेरिएबल दे दूं। तो अगर मैं बैक करना कोड पे आना, मंसूर कोड पे आइएगा, कंट्रोल जेड करना वापस से लाइन नंबर 67 को। हाँ अब मुझे ये बताएं, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट में वी देने का मतलब ये हुआ कि वी के अंदर क्या मौजूद है, पहली दफा चलेगा तो वी के अंदर क्या मौजूद है, अली अली अली, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर अली नाम की प्रॉपर्टी मौजूद है? यस सर, अली है इसमें, पहली दफा नहीं है, नो सर नहीं है। तो उसने क्या किया, एक नई प्रॉपर्टी बनाई अली, उसके अंदर हमने डेफिनेटली अभी अली सेव करवाया। यहाँ पे क्या कुछ और काम कर सकता हूँ मैं, इक्वल्स टू के बाद तो कुछ भी आप कर सकते हैं ना, एक्स वाई जेड जो दिल करे आपका। तो अब आप मुझे ये बताएं कि पहली दफा चला ऑब्जेक्ट के अंदर अली, अली मौजूद नहीं था तो उसने वी के अंदर अली था स्ट्रिंग, क्योंकि वी के अंदर एक्चुअली मौजूद क्या है, अगर आप देखें वी एक वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग क्या मौजूद है, अली। ठीक है, तो पहली दफा में अली अली आ गया,
ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का नाम भी अली और वैल्यू भी अली। दूसरी दफा चला फिर बारी आई असद की, तो वी के अंदर क्या मिला दूसरी दफा असद, तो क्या ऑब्जेक्ट के अंदर असद मौजूद था? नहीं मौजूद था, तो उसने एक वैल्यू एक प्रॉपर्टी ऐड की असद और उसकी वैल्यू क्या ऐड कर दी असद। उसी तरीके से ये तीसरी दफा वापस चला तो उस वक्त वी के अंदर मौजूद वापस सात, क्या ऑब्जेक्ट के अंदर सात मौजूद था? जितने भी आइटम आपके पास डुप्लीकेट हो, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट तो यही है कि वो सेम नाम की दो प्रॉपर्टी कभी भी ऐड नहीं करता, या ऐड करेगा या तो उसको अपडेट करेगा। तो हमारे केस में इसने क्या किया, उसको अपडेट कर दिया अली को, वापस उसको अपडेट कर दिया अली, तो इसलिए आपके पास थ्री प्रॉपर्टी है। हाँ अली, अली के साथ डैश देके वाई लिख दो, अली डैश वाई, तो अब देखिएगा आपके पास चार प्रॉपर्टी ऐड हो जाएंगी। हाँ अब रन करना इस कोड को, अली डैश वाई, समझ में आ रही है बात आपको? यस सर, अपडेट। यस सर। अब मुझे ये बताएं कि अब ये जब जब आइट्रेशन हो रही है तो ये एक्यूमुलेट करके एक वैल्यू दे रहा है, तो इस तरीके से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। क्या वो मिस्टर वाला में काम कर सकता हूँ, इधर से प्रीफिक्सर्स वाला कैसे बैक करना जरा रिड्यूस पे? हाँ अब बताएं क्या करना पड़ेगा, नीचे कॉपी पेस्ट कर लो एक वापस से इसको दो मिनट के लिए, कोड को नहीं नहीं कोड को, ये लाइन नंबर 64 रिड्यूस को एक दफा कॉपी पेस्ट कर दो, ताकि हम अब ऑब्जेक्ट से एरे के ऊपर वापस जा रहे हैं ना थोड़ा सा। हाँ जी बताइएगा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे प्रीफिक्सर्स लगाने एरे पे, प्रीफिक्सर्स लिख दो बोले कुछ भी लिख दो। हाँ ठीक है, हाँ भाई किस तरह होगा आप लोग बताएं, इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, एम्प्टी क्या, एम्प्टी लिस्ट यानी एम्प्टी एरे, जबरदस्त जबरदस्त बहुत जबरदस्त। ठीक है अब क्या करना है, सही है कैसे होगा बताएं, क्या ये सिंपल से पढ़ना, अगर मैं जल्दी से खुद मैं बता दूं तो ये हो सकता है accumulator dot push और v के साथ prefixers लगा दूं और return करवा दूं accumulator, नीचे तो already हो रहा है। क्या क्या सॉरी वापस बोलिएगा क्या कहना चाह रहे हैं आप? हाँ हाँ यही यही कह रहा हूँ ना, एक्यूमुलेटर में एम्प्टी एरे मिली फर्स्ट टाइम, उसमें हमने एक आइटम पुश करवाया और वो हमने रिटर्न कर दिया, तो एक्यूमुलेटर अब अपडेट हो गया एक आइटम के साथ। ठीक है इस तरीके से जितने आइटम है ये चलती रहेगी, इसको प्रिंट करवा देना एरे नेम्स को एक दफा फाइनली। हो गया, और इससे भी करके देखा, रिड्यूस से भी करके देखा, फोर से भी करके देखा, यानी देखिए काम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। सही चले आगे चलते हैं। ठीक है अब हम आते हैं थोड़ा प्रेजेंटेशन की तरफ, थोड़ा प्रेजेंटेशन को भी देखते हुए चलते हैं अब आगे। ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट, ये कुछ खास नहीं है। ठीक है टॉपिक्स बताओ, नेक्स्ट स्लाइड मंसूर। ठीक है स्ट्रिंग टेम्पलेट कमेंट स्कोप होस्टिंग लेट वर होस्ट क्लास स्प्रेड ऑपरेटर्स। ठीक है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है थैंक यू। अच्छा फंक्शनल प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्यों कहते हैं जावास्क्रिप्ट को, कोई आइडिया? क्योंकि आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सर, इसमें ना
छोटे छोटे से ना स्क्रिप्ट्स बनते हैं, इसलिए इसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग कहते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें हर जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ना ऊप्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ये तो जावास्क्रिप्ट तो कम्प्लीटली ऊप बेस्ड है ही नहीं, तो इसके अंदर है ना सारी जो प्रोग्रामिंग होती है फंक्शन बेस्ड, यानी आपको हर काम करने के लिए क्या बनाना है, आपको अपने छोटे फंक्शंस बनाने हैं। हाँ, ऊप्स के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट अलग तरीके से यूज होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट को फंक्शनल प्रोग्रामिंग इसलिए कहते हैं कि इसमें हर काम के लिए आपको फंक्शंस बनाने, सिंपल से वर्ड में। क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है प्योर फंक्शंस, बैक करना। अच्छा, प्योर फंक्शंस, प्योर फंक्शंस क्या होते हैं? जिससे हाँ, ये लिखा हुआ है ना, देखें लाइन नंबर, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सॉफ्टवेयर बाय कंपोजिंग प्योर फंक्शंस। प्योर फंक्शंस का मतलब होता है अवॉइडिंग शेयर्ड स्टेट एंड म्यूटेबल डेटा। मैंने आपसे याद है कहा था कि हमें कोई भी शेयर्ड डेटा नहीं लेना चाहिए, यानी ग्लोबल ऑब्जेक्ट को लेते हुए हमें काम नहीं करना अपने फंक्शन के अंदर, याद है लास्ट जब हम काम कर रहे थे ग्लोबल, ठीक है? और वही वाली बात है कि जो आपको अगर डेटा मिल भी रहा है तो आप उसको म्यूटेट नहीं कर रहे। म्यूटेट का मतलब ये होता है कि चेंज करना, छेड़ना, डेटा के साथ छेड़छाड़ी। प्योर फंक्शन ये कहते हैं कि जो आप मुझे दोगे वो मैं चेंज करके दूंगा, इससे आपकी एप्लीकेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आप आर्ग्यूमेंट पास करो और वो आर्ग्यूमेंट को चेंज करके या जो भी करना हो आप कुछ प्रॉपर रिटर्न कर दो, तो इससे कोई आपके एप्लीकेशन में चेंज होगा नहीं? नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई फंक्शन, प्योर फंक्शन यानी किसी भी फंक्शन के अंदर आपने ग्लोबल वैल्यू ले ली और वैल्यू के साथ आपने कोई छेड़छाड़ कर दी, तो क्या वो अब प्योर फंक्शन रहा? नहीं सर। नहीं, तो होता है प्योर फंक्शन या तो फिर होता है कौन सा, इम्प्योर फंक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव की तरफ। ठीक है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग और साइड इफेक्ट्स, वही यानी अभी नेटवर्क कॉल्स अभी हमने नहीं देखी तो हम उसको अभी साइड इफेक्ट्स को कंसीडर नहीं करते, आगे जाके मैं डिस्क्राइब करूंगा। साइड इफेक्ट वही है कि ग्लोबल वेरिएबल आपने यूज किया और आपने उस फंक्शन के अंदर उसको चेंज कर दिया, जैसे हमने कहा था ना कि पाई की वैल्यू ली थी, हमने पाई की वैल्यू चेंज कर दी, तो वो उसका साइड इफेक्ट है। और नेटवर्क साइड इफेक्ट्स अलग है, साइड इफेक्ट्स के लिए हमारे पास आगे जाके आएगा। एजेक्स कॉल अभी तक हमने नहीं पढ़ी तो अभी हम उसको अभी डिस्कस नहीं करते, इसी के अंदर है, आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है? डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। अच्छा, ये वाला लिंक भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने लिंक्स इसीलिए दिया है आप लोगों को, इसके अंदर एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, सारी चीजें मिल जाएंगी। एग्जांपल खुलना है ये वाला लिंक, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग एप्सेंट, ये जो ब्लू कलर में ना कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो लिंक है ये। आ जाओ नीचे, आ जाओ इसमें, आ जाओ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पे, इसमें बहुत सारी चीजें सर्च कर लो। ये देखें, ये पूरी डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है? आप पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़िएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसीलिए मैंने लगा टॉपिक्स दिए हैं आपको। आओ नीचे, आओ नीचे, आओ एग्जांपल पे आओ इसकी, नहीं बस सही है वो, वहीं रहो और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ, ठीक है? अच्छा जी, ये डिक्लेरेटिव है, ठीक है? आप यहाँ पे अपना पूरा कंट्रोल बता रहे हो इसको, सॉरी माई बैड, ये इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव के अंदर पहले डिक्लेरेटिव पे आते ना, स्क्रॉल अप यार हेडिंग से आओ, हाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करो, आहिस्ता आहिस्ता आओ नीचे, आओ स्क्रॉल डाउन करो थोड़ा सा, ठीक है? रुक जाओ, ये देखो, ये डिक्लेरेटिव पैटर्न है। क्या इसमें हमें कंट्रोल जो हम फ्लो कर रहे थे, जैसे हम फॉर ईच के अंदर है ना फ्लो कंट्रोल करते हैं कि पहले इंडेक्स पे क्या करना है, दूसरे इंडेक्स पे जाना है, फिर क्या ये सारी चीजें हमने मैप में की थी या फॉर ईच में की थी? नहीं सर, वो तो सिंपल बोलियन वैल्यू रिटर्न कर देता था। हाँ, मतलब देखिए डिक्लेरेटिव के अंदर है ना आपको फ्लो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? ये डिक्लेरेटिव है, बस आप जाने होते जा रहा आपका काम, जैसे मैप था, फॉर ईच था, पीछे क्या हो रहा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंपेरेटिव के अंदर सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है? जिस तरीके से हम ऊपर वाली एग्जाम्पल देखें, क्या अभी इस पे सारी चीजें आपको खुद मेंशन करनी पड़ती है? इंपेरेटिव में आपको सारी चीजें खुद डिक्लेयर करते हुए आगे चलना है कि फॉर का लूप बनाना पड़ा आपको, वेरिएबल असाइन करने पड़े, उसको यूज करना पड़ा, ठीक है? तो इस तरीके से हमारे पास फंक्शंस होंगे, कुछ डिक्लेरेटिव फंक्शंस होते हैं, कुछ इंपेरेटिव। और स्क्रॉल डाउन करना,
और स्क्रॉल डाउन करना और ये देखें जो इम्पेरेटिव फंक्शन फोर का लूप आपका इम्पेरेटिव फंक्शन है इफ जो है वो इम्पेरेटिव है स्विच है थ्रो एक्सेप्शन सारी चीजें ये इम्पेरेटिव्स हैं आपकी डिक्लेरेटिव के अंदर आपको चीजों की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है वो खुद ही कर रहा होगा जैसे मैप था मैप ने खुद ही सारी चीजें हैंडल की फॉर ईच ने खुद ही सारी चीजें हैंडल की फिल्टर ने सारी चीजें खुद ही हैंडल की रिड्यूस ने सारी चीजें खुद हैंडल की तो ये सारी आपकी डिक्लेरेटिव है ठीक है ठीक है आगे चलो लड़के स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा ठीक है अब आओ जरा उधर ये सिर्फ बताने की कोशिश है कि कभी भी आपसे कोई पूछता है तो डिक्लेरेटिव पैराडाइम के अंदर क्या होता है हमारे पास लड़के बहुत स्पीड में आगे पीछे भाग रहे हो वो सर बस मैं चेक कर रहा था एक काम कर उसी से चलो क्या नाम है अगर ये प्रेजेंटेशन भाग रही हो ना तो पेज बाय पेज चलो ज्यादा बेहतर रहेगा हाँ विदाउट डिस्क्राइबिंग इट्स कंट्रोल फ्लो ठीक है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हमें फ्लो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है जबकि इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग के अंदर नेक्स्ट स्लाइड सब कुछ के अंदर सारी चीजें आपको डिफाइन करनी पड़ती है यस जैसे इफ के अंदर भी आपको डिफाइन करना पड़ता है स्विच के अंदर भी आपको डिफाइन करना पड़ रहा है फोर के अंदर भी आपको डिफाइन करना पड़ रहा है तो ये आपकी इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग कहलाएगी इंपेरेटिव है ना लड़के नेक्स्ट ठीक है ये इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद होगी वही है देख लीजिएगा इसमें और भी ज्यादा चीज होंगी नेक्स्ट प्योर फंक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि जावास्क्रिप्ट कहता है कि ज्यादातर आपको अब ये नहीं है कि आप हर फंक्शन को प्योर फंक्शंस लिख सकते हैं नहीं आपको इम्प्योर फंक्शंस लिखने पड़ते हैं ठीक है मतलब कॉम्बिनेशन है ऐसा नहीं है कि आप सारे फंक्शंस प्योर बनाओ कभी भी नहीं बनेंगे क्योंकि साइड इफेक्ट तो 100% किसी ना किसी फंक्शन के अंदर आएगा ही आएगा लेकिन आप उसको भी डिवाइड कर सकते हो कि ज्यादातर जो फंक्शन हो वो कौन से होने चाहिए प्योर फंक्शन जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन के अंदर कोई इफेक्ट ना है जैसे सम है सम का काम क्या है दो नंबर लेगा और रिटर्न क्या कर देगा उनको एड एड रिजल्ट रिटर्न कर देगा क्या ऐसा हो सकता है कि आपने कोई और काम किया तो उसकी वजह से ये सम ना चल रहा हो पॉसिबल नहीं है ना क्योंकि सम का काम तो यही है कि दो वेरिएबल लेगा और उसके अंदर सम का क्या रिटर्न कर देगा तो ये इसका प्योर फंक्शन है हाँ अगर आपने कोई गलती ये की होती कि पैरामीटर लेने की जगह आपने कोई वेरिएबल्स के नेम जो यूज कर लिया होते ग्लोबल के यूज किए होते तो क्या मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपके पास कुछ अलग ही रिजल्ट आए है ना किसी ने ऊपर से वेरिएबल चेंज कर दिया किसी फंक्शन में वहां पे आपको नजर आ रहा है एक वन या टू और किसी भी फंक्शन की वजह से वो वन या टू चेंज हो गया तो क्या होगा वो प्योर फंक्शन खत्म हो गया अब वो इम्प्योर हो गया क्योंकि वो एक बाहर की चीजें यूज कर रहा है साइड इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे उसके अंदर ठीक है ये देखिए लास्ट वाला जो फंक्शन लिखा वो पढ़िएगा ओ पैराग्राफ लिखा पढ़िएगा व्हेन अ फंक्शन डज नॉट हैव आउटसाइड इन्फ्लुएंस इट्स कॉल्ड अ प्योर फंक्शन इन सिंपल क्या ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं ये सारी चीजें यस सर अब देखें एडवांस के अंदर कोई ऐसा सच कोई खास चीज नहीं है हाँ ये आपको नहीं पता था कि ऐसे टाइप के फंक्शंस को हम क्या कहेंगे प्योर फंक्शन तो, लोग यही पूछते हैं सिंपल से इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर व्हाट इज प्योर फंक्शन व्हाट इज इंप्योर फंक्शंस आप नहीं आप इन सिंपल से वर्ड में इसी पैराग्राफ का अगर आप उल्टा कर दें कि आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए अगर आप आउटसाइड दी वैल्यू यूज कर लें उस फंक्शंस के अंदर तो वो क्या बन जाएगा आपका इम्प्योर फंक्शन सिंपल से वर्ड में समझ में आती है बात ठीक है सर ओके आगे चलते हैं क्लास में बच्चे क्यों बैठे हुए होते हैं I don't know. सर ये क्यों ये पीछे से मार्किंग कर रहे हैं मैं वही कह रहा हूँ ना ये बच्चे बैठे हुए होते हैं ना क्लास में डिस्टर्ब करने के लिए यार वो उसको डिसेबल कर देना मंसूर डिसेबल एनोटेशन एक मिनट रुको हाँ डिसेबल एनोटेशंस और इसको क्लियर कर देना वहाँ पे वो इरेजर होगा ना इरेजर से इस पे क्लिक करना एप्स में वहाँ क्लियर नहीं कहाँ पे मिलेगा सर ये
एप्स में। हेलो जी सर, मैं कह रहा हूँ कहाँ पे होगा सर? नहीं हो रहा, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट दो मुझे। नहीं नहीं एप्स में नहीं होगा, ये होता है नोटेशन की टूल बार में होगा, व्हाइट बोर्ड के अंदर होगा ये यूजुअली। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई है फॉर सम रीजन। सर एनोटेशन की टूल बार में होगा, जो एनोटेट करते हैं ना उसमें होगा क्लियर एनोटेशन। यस वो देखता हूँ, एक मिनट दीजिएगा। डिले बहुत ज्यादा है आज साउंड में और पिक्चर में। यस आई थिंक मिल गया, रेजर हो गया, ठीक है जबरदस्त। अच्छा जी नेक्स्ट करना प्योर फंक्शंस। नेक्स्ट साइड इफेक्ट, ठीक है। देखिए साइड इफेक्ट्स बहुत सारे तरीकों से होते हैं। एक तो आपने ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस कर लिया, वो एक साइड इफेक्ट है। फंक्शन के अंदर देखो, अगर आप कंसोल भी कर रहे हो लॉगिंग, ये भी क्या है उसका एक, वो फिर प्योर फंक्शन नहीं करता। हाँ साइड इफेक्ट्स का मतलब यही है कि ये इम्प्योर फंक्शंस की बात चल रही है, कि एक तो आपने ग्लोबल वेरिएबल यूज कर लिया तो आपका फंक्शन प्योर नहीं रहा। इवन के आपने फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, वो भी आपका फंक्शन क्या नहीं रहा, अब प्योर फंक्शन नहीं रहा, ठीक है। अब आप कहोगे कि आप प्योर फंक्शंस के अंदर कंसोल डॉट लॉग ही तो लिखा हुआ है, इससे कुछ चेंज थोड़ी हो रहा है। लेकिन ये आपके आउटसाइड द वर्ल्ड मतलब दूसरी चीजों को तो छेड़ रहा है ना, कंसोल पे तो कुछ ना कुछ प्रिंट कर रहा है ना, मतलब इन शॉर्ट के टेस्टिंग के लिए तो सही है, आप लोग काम कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, वो पूरा प्योर फंक्शन देंगे, उसमें एक लाइन कंसोल करके दे देंगे और पूछेंगे क्या ये प्योर फंक्शंस की एग्जांपल है, तो आप कहोगे नहीं ये साइड इफेक्ट है, इसमें आप कंसोल लॉग प्रिंट कर रहे हैं। हाँ अगर आप ये कंसोल रिमूव कर देंगे तो ये प्योर फंक्शन बन जाएगा। देख राइटिंग इन टू द स्क्रीन, यानी हम जो डॉम के अंदर मैनिपुलेशन कर रहे हैं वो भी साइड इफेक्ट है आपके पास। राइटिंग इन अ फाइल, राइटिंग टू द नेटवर्क, इसका क्या मतलब है? नेटवर्क का मतलब ये है कि एपीआई कॉल्स, अभी तक किसी को पता है एपीआई कॉल्स क्या होता है? हमने शायद डिस्कस किया था, मुझे याद पड़ता है स्टार्टिंग के अंदर हम डॉकर में डिस्कस किया था, दो कंटेनर कम्युनिकेट करते थे, दो कंटेनर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, या तो फिर फ्रंट एंड बैक एंड से कम्युनिकेट करता है, तो उसको हम नेटवर्क कॉल्स के थ्रू एपीआई के थ्रू जाते हैं। याद है किसी को? नहीं यार तो मसला नहीं है, आज हम इसकी भी एक प्रैक्टिस कर लेंगे। कितना टाइम बाकी है वैसे हमारे पास? सर डेढ़ घंटा है सर। ये चीज मुझे कंफर्म करनी है कि रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास शो हो रही है, क्योंकि मेरे पास यहां पे रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है। रिकॉर्डिंग बनी हुई शो हो रही है, रेड बटन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ रहा है। वैसे रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग लिखा हुआ तो आ रहा है मेरे पास। सर एक सवाल था आपसे सर, सर मैं एक क्लास ना एब्सेंट था, तो जो रिकॉर्डिंग्स है ना वो पोर्टल पे शो नहीं हो रही मेरे पास, वो अभी अपलोड नहीं हुई, मैं करवाता हूं। अच्छा ट्रिगरिंग एनी एक्सटर्नल प्रोसेस, ठीक है, अगर आप किसी भी एक्सटर्नल प्रोसेस को ट्रिगर करोगे फ्रॉम दैट फंक्शन तो वो उसके साइड इफेक्ट्स है, और जहां पे भी साइड इफेक्ट्स आ जाए तो वो फंक्शन आपका कौन सा फंक्शन नहीं रहता, प्योर नहीं है, प्योर नहीं है। ठीक है आपने कोई साइड इफेक्ट यूज हो रहा तो वो जो प्योर फंक्शन था वो भी आपका प्योर फंक्शन नहीं रहा, तो ये इसके साइड इफेक्ट है। अगर ये साइड इफेक्ट से आप बच जाते हो तो आपका फंक्शन क्या बच जाता है? प्योर, प्योर बन जाएगा। नेक्स्ट, ये इस पे सारे सारे लिंक्स लिखे हुए हैं, ये जितने ब्लू आइकन बनने में ये सारे लिंक्स हैं, आप रीड कीजिए आराम से। तो कुछ है प्योर फंक्शन, इम्प्योर फंक्शंस, ठीक है, वो प्योर फंक्शंस नहीं थे, ये इम्प्योर फंक्शंस। इम्प्योर फंक्शंस यही है, रिटर्न वैल्यू इम्प्योर फंक्शंस सोलेली डिपेंडेड ऑन इट्स आर्ग्यूमेंट और ये सारी चीजें, ठीक है, अभी हम इसको भी डिस्कस करते हैं। हाँ इम्प्योर फंक्शंस साइड इफेक्ट्स देखा हमने, प्योर फंक्शंस देखा, अब थोड़ा सा इम्प्योर फंक्शंस की तरफ भी जाते हैं। इम्प्योर फंक्शंस के अंदर यह है कि आप जो इसको फंक्शंस को जो भी आप
आर्गुमेंट पास करोगे वो उसी को ना आइट्रेट नहीं करता, डिपेंडेंट नहीं रहता उसके, किस तरीके से अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जो क्या एग्जांपल लिखे हुए, मुझे एग्जांपल एक दफा देख लेते हैं। हमने इसको आइटम्स दी, आइटम्स की जैसे लेंथ लिया, आइटम्स के अंदर हमने आइटम्स, इसमें हुआ क्या जरा ये फंक्शन देखिए, ये क्यों इम्प्योर फंक्शंस की नीचे एग्जांपल दी हुई है, कोई बता सकता है मुझे? लेंथ है आइटम, सर हम आइटम्स में ही चेंज कर रहे हैं। हाँ, असल में रिटर्न कर रहे हैं, जो आपने इसको आर्गुमेंट पास किया हुआ है आपने उसी आर्गुमेंट को तो पूरा छेड़ दिया। यस आइटम्स, यस यस बिल्कुल हुआ है। तो इसका सही तरीका क्या था? अगर यही वाला काम करने चले, अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना, ठीक है ये रहा, नीचे पढ़ा हुआ आपके पास काम भी है, इसको मैं कौन से फंक्शन से करूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा? Anonymous. है? नहीं नहीं, मैप, जबरदस्त, जिसने भी बोला बहुत जबरदस्त बोला। क्यों? अब जरा खुद सोचें कि इन्होंने कहा कि ये मैप से ये वाला काम हम कर सकते हैं, जरा देखें इसमें काम क्या हो रहा है, क्या ये वाकई में मैप्स हो सकता है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ जिनको पता हो बातें, और जिनको नहीं पता वो एक दफा देखे कोड, कोई जल्दी नहीं है, हम लोग सब साथ चलेंगे। आप कोड देखे, कोड में हो क्या रहा है, हम जो एरे मिली है, हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो एरे मिली है हम उसके हर आइटम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उसी के नंबर से, यानी जैसे पहली दफा में वन मिला, वन मल्टीप्लाई बाय वन, दूसरी दफा में टू मिला, टू मल्टीप्लाई बाय टू, और हम उसी एरे को अपडेट कर रहे हैं वापस, ऐसा हो रहा है? यस यस सर, यस सर। तो क्या ये काम मैप हमारे लिए करके दे सकता है? बिल्कुल सर, यस है ना, फोर इश भी करके दे सकता है, लेकिन फोर इश में मसला ये कि वो मुझे एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, है ना, मैप तो ऑलरेडी वेरिएबल भी बनाएगा, एरे भी नहीं बना के पूरी की पूरी एरे डिक्लेयर कर देगा, ऐसा ही है ना। तो ठीक है, गुड, नेक्स्ट। तो यानी पिछले एग्जांपल में अगर हम मैप यूज करेंगे तो वो प्योर फंक्शन बन जाएगा? हाँ, प्योर फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि हम जो हम उसको आइटम्स दिया हुआ है उस आइटम को हमने नीचे डा, हमने उससे ही नई एरे बनाई और फिर वो न्यू एरे रिटर्न करती। ओके सर, ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है? हम क्या प्योर फंक्शन यूज करने कोशिश करके और इम्प्योर से बचें? कोशिश नहीं, हाँ कोशिश, इसको क्लासिफाई क्यों किया हुआ है? असल में मैं यही मैं बता रहा हूँ कि इसका रीजन ये है कि हम प्योरली प्योर फंक्शन पूरी एप्लीकेशन में यूज नहीं कर सकते, हाँ साइड इफेक्ट के बगैर कैसे चल सकते हैं? कोई ना कोई एक फंक्शन ऐसा होगा जो साइड इफेक्ट कर रहा होगा ना, और वो फिर प्योर फंक्शन को कॉल करे तो इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आपके फंक्शंस कोशिश ये करनी है कि प्योर फंक्शन। अभी थोड़ी देर के लिए यही वाली एग्जांपल लेते हैं ना, जरा बैक करना, स्क्रॉल बैक करना, इसमें नुकसान क्या है सर? अगर जहां जरूरत होगी तो इम्प्योर फंक्शन यूज करने पड़ेंगे, करेंगे, मैं वही तो कह रहा हूं। यस यस यस, यही कह रहा हूं, मिक्सचर है ये, 100% नहीं हो सकता कि आप पूरी एप्लीकेशन प्योर फंक्शन पे, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी पूरी एप्लीकेशन नेटवर्क कॉल ना कर रही हो? ये जैसे ये वाली एग्जांपल है इसमें जो हम पास कर रहे हैं आइटम्स, तो ये हमारा बाय वैल्यू पास हो रहा है या बाय रेफरेंस? क्योंकि इसकी वजह से तो हम मतलब अगर हम इसी में चेंज कर रहे हैं तो रिटर्न जब तक हम सेम में ना लें तब तक तो वो उसका नहीं चेंज होगी ना। अच्छा एक मिनट, ठीक है यार, एक मिनट के लिए यही वाला कॉपी पेस्ट करना फंक्शन वीएस कोड में। ऑप्शन डाउनलोड कॉपी, अच्छा ये कॉपी भी डिसेबल हुआ है, कॉपी अनेबल कर सकते हैं ना हम शायद, आई एम नॉट श्योर, बट कॉपी तो अनेबल हो सकता है, कैसे होगा ये देख लूंगा मैं, मुझे सिर्फ एक मिनट दीजिएगा, मैं ये कोड पेस्ट करता हूँ। असल में देखिए इसका इसका नुकसान क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, ये वही वाली बात है, आपने सही कहा कॉपी बाय रेफरेंस और कॉपी बाय वैल्यू की वजह से मैं आपको कह रहा हूँ। ज़ूम के अंदर मैं जाता हूँ चैट पे, ठीक है
मैंने कर दिया कॉपी कर दिया, लड़के पेस्ट कर दो ज्यादा बेहतर होगा जल्दी से। चैट में क्या हुआ? ठीक है, फंक्शन का नाम नहीं है इसमें। ओके, तो मसला क्या हुआ जरा ये बताएं। चलो इसको चलाओ, इसको फंक्शन चलाओ, नहीं खाली फंक्शन चला दो, कोई टेंशन नहीं है। हाँ चलो करो 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 करो, सही है सही है, चलो करो 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 करो। स्क्वायर ऑल नम्स नम्स है शायद अरे, ओके ठीक है। और वाप अरे को नीचे एक दफा और खाली कंसोल कर दो दोबारा से, स्क्वायर ऑल के बाद एक और नीचे एक और कंसोल कर दो अरे को खाली। अच्छा यहाँ पे लिख भी दो अरे, ताकि पता चल जाए कि ये अरे वाला चला है। जबरदस्त, चलाओ उसको जरा दोस्त। जी पूरी अरे क्यों तो कॉल बाय रेफरेंस था। यस, क्या ये प्योर फंक्शन है? अब आप ही बताएं, अब इसने क्या किया, जो हमने पैरामीटर पास किया था उसने उसी को चेंज कर दिया। और प्योर फंक्शंस कहता है कि साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, यानी आपके फंक्शन कॉल होने से बाहर की किसी चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसने तो मेरी पूरी एरे को चेंज कर दिया, ऐसा हुआ वैसे? यस यस, ठीक है। अच्छा अब बैक करना, वापस से कोड पे आना, यही वाला काम हम मैप से करते हैं। ठीक है, एक दफा इसके लाइन नंबर 82 से लाइन नंबर 87 तक कमिट कर दो कोड को, और जरा एक लगाना रिटर्न नेक्स्ट लाइन में, रिटर्न आइटम्स डॉट मैप, और वही वी हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, सही है सही है। इनको समझाना है, वो भी करवाना है ना, कर दो वी मल्टीप्लाई बाई, नहीं नहीं ये भी हटाओ हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, वी मल्टीप्लाई बाई वी, सही है। चलो ये देखिए जादू है, ये मैं बताता हूँ किस तरीके से जादू हुआ वैसे, लेकिन जरा देखिएगा क्या अब साइड इफेक्ट हुआ ना उसे? नहीं हुआ ना, हमने मैप यूज किया ना। तो अब आपका फंक्शन क्या बन गया, कौन सा फंक्शन बन गया? प्योर बन गया सर, अब प्योर बन गया, पहले क्या था? इम्प्योर फंक्शन, प्योर फंक्शन। अब ये जादू क्या हुआ, मैंने एक लाइन में इतना जादू क्या कर दिया, ये अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है? टेंशन नहीं लीजिएगा, ये मतलब वही है, मैप वाला ही काम है। अगर आप इसको एज अ फंक्शन के थ्रू करेंगे तो सेम काम चलेगा, लेकिन हम देखेंगे कि ये क्या चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आना। फर्स्ट क्लास फंक्शन सिंपल है, ये फंक्शन जो चल रहा है, ये हमने सारे फंक्शंस बनाए हैं सिंपल से, ये स्क्वायर ऑल फर्स्ट क्लास फंक्शन था। ये सर ये हेलो फंक्शन है, हेलो फंक्शन भी हमने अभी, ये पीछे स्क्वायर भी बनाया फंक्शन, वो फर्स्ट क्लास फंक्शन था, ठीक है ना? सही है, नेक्स्ट करो। हायर ऑर्डर फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन यानी नॉर्मल फंक्शन जो आपका था, ठीक है? हायर ऑर्डर फंक्शन का क्या मतलब है, देखें नाम पढ़ के समझ में आता है, हायर ऑर्डर फंक्शन यानी अब लग रहा है कि मुझे ऑर्डरिंग होगी किसी फंक्शंस की, ऐसा समझ में आता है? पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन फिर तीसरा फंक्शन, ऐसा है? ठीक है ठीक है। अच्छा अभी तक क्या हमने कोई हायर ऑर्डर फंक्शन काम किया अभी तक, सवाल है? अगर इसमें ना लिखा हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। अच्छा जरा दो मिनट बैक करना, कोड पे आना, स्क्रॉल अप करना। हाँ चलो ये रिड्यूस ले लो, रिड्यूस ले लो, और क्या हमारे पास और सारे फंक्शन थे ना, फिल्टर ले लो, रिड्यूस ले लो। क्या आपको लगता है इसमें भी कोई हायर ऑर्डर फंक्शन चल रहा है, ऐसे ही सवाल है?
सर एक फंक्शन के अंदर दूसरी फंक्शन कॉल हो रही है, हायर ऑर्डर फंक्शन है ना, पहले हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया? रिड्यूस खुद एक एरे मेथड है, लाइन नंबर 72 से 77, हाँ हाँ हायर ऑर्डर, यस हाँ, ये भी है रिड्यूस भी है, उसके बाद फिर आपका हायर ऑर्डर फंक्शन चला, हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर सॉरी माय बैड, पहले रिड्यूस चला फिर एनोनिमस फंक्शन चला और फिर एनोनिमस फंक्शन के अंदर पुश चला, ऐसा हुआ? यस सर यानी पहला रिड्यूस, दूसरी दफा जो चला वो आपका एनोनिमस फंक्शन चला, फंक्शन हायर ऑर्डर चला फिर पुश चला, तो ये याद रखिएगा ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। अब बैक करना इस पे आना प्रेजेंटेशन पे दोस्त, हाँ अब बताओ क्या ये हेलो है, क्या हमने इसके अंदर रिटर्न करवाया हुआ फंक्शन एबीसी और दिस, तो चलेगा कैसे इसका मतलब, अगर मैं इसको प्रिंट करूँ कॉपी पेस्ट भी कर, छोड़ दो अभी, ऐसे एक फंक्शन बनाओ हायर ऑर्डर फंक्शन, अगर मुझे इसको चलाना तो कैसे चलेगा ये? कौन सा फंक्शन बनाओ सर? एक फंक्शन बनाओ, रिटर्न एक फंक्शन कर रहा हूँ सिंपल, फंक्शन टू एबीसी ठीक है, रिटर्न एक्स वाई जेड एनोनिमस भी दे दो, नाम भी दे दो तो कोई टेंशन नहीं है ठीक है, वैसे एनोनिमस रहता है तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें किसी नाम से कोई लेना देना नहीं है ठीक है, ऊपर लिखो एबीसी, रिटर्न से ऊपर कंसोल करवाओ एबीसी, ये तो सबको ही पता होगा कि डेफिनेटली अगर जब मैं एबीसी को कॉल करूंगा तो सबसे पहले क्या चलेगा, कंसोल एबीसी, क्लियर है ना, ये तो पता है ना, हायर ऑर्डर फंक्शन है, पहले फंक्शन चलेगा तो एबीसी चलेगा, अगर उसी के नीचे वाला नहीं नहीं कंट्रोल सही है, लाइन नंबर 95 के नीचे कंसोल करो एबीसी, इसके अंदर ही, हाँ हाँ इसी के अंदर स्ट्रिंग में लिख दो एबीसी और नीचे नेक्स्ट फंक्शन में लिख दो एनोनिमस एएनवाई कर दो, ठीक है, अब हायर ऑर्डर सिंपल है ना, सबसे पहले कौन सा कॉल होगा? एबीसी, एबीसी ठीक है, और उसके बाद लिखना जरा एबीसी लिखना, एक तरीका दो तरीके हैं, एनोनिमस फंक्शन, एक वेरिएबल बनाओ फू वार फू इक्वल्स टू एबीसी कॉल करो ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में फू को कॉल करो, नहीं कंसोल करने की जरूरत ही नहीं है, अब छोड़ दो कंसोल ऑटोमेटिक चल रहे हैं ऊपर, फू एंड देन कॉल ठीक है, जबरदस्त। अच्छा दोस्तों क्या होगा, एक मिनट कोड पे रहो दो मिनट, क्या होगा जब लाइन नंबर 102 चलेगा? सर सिर्फ जो है ना वो कंसोल डॉट लॉग एबीसी होगा और उसके बाद वो दूसरे एक एनोनिमस फंक्शन रिटर्न करके फू में रख देगा उसको, क्या एनी चलेगा, एनोनिमस वाला लॉग चलेगा? वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा सर, नहीं वो वाला लॉग कब चलेगा कुछ भी रिटर्न करते हैं तो वो फंक्शन रिटर्न करता है, ऐसा ही था, और हमने ये भी पढ़ा था जब हम इनिशियल स्टेज पे थे तो हम नंबर बुलियन एरे ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करवा सकते हैं, और मैंने आगे जाके कहा था कि हम फंक्शन भी रिटर्न करवाएंगे, वो आगे जाके देखेंगे, ऐसा था? यस सर बिल्कुल कहा था आपने तो, यस सर। अब देखें, अब हम फंक्शन भी रिटर्न करवा रहे हैं, क्या ये फंक्शन रिटर्न होगा? यस सर, यस सर होना होगा, हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम जब अगर हम पुराना भी सोचे थोड़ी देर के लिए, जब हम कोई फंक्शन बनाते थे उसमें से कुछ रिटर्न एबीसी एक्सवाइजेड कुछ भी करवाते थे, वो एक वेरिएबल में हम स्टोर करके यूज कर सकते थे, करते भी थे, सेम काम यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, हमने क्या किया एक वेरिएबल को कॉल किया, सॉरी एक फंक्शन को कॉल किया, उसने कुछ रिटर्न किया, वो स्टोर हो गया फू के अंदर, अब वो हमारे पास उस जो रिटर्न हुआ उसकी भी टाइप क्या है फंक्शन, तो इसका मतलब क्या है मैं फू को भी कॉल कर सकता हूँ, ऐसा है? यस, चला के देख लेते जल्दी से इसको, चलेगा डेफिनेटली जैसे हमने अभी डिस्कस किया, पहले एबीसी चलेगा फिर फू एनी चल गया ठीक है,
अब बैक करना कोड को, इसका एक तरीका दूसरा भी है हम कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में ना, हाँ नेक्स्ट लाइन में ना, लाइन नंबर 5 पे आ जाओ। हाँ आ जाओ आ जाओ, 105 पे आओ, नेक्स्ट करो, एंटर करो, यहाँ पे लिखो एबीसी। सर ये समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। अच्छा समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट लाइन नहीं, फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं। सर जब फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं तो सर क्या इसमें कंसोल डॉट लॉग एनी, सर ये इसका रिजल्ट जो है वो रिटर्न नहीं होगा सर? जैसे हम रिटर्न 1+1 करें तो 2 रिटर्न होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या रिटर्न होता है? लेकिन फंक्शन रिटर्न हो रहा है लेकिन फंक्शन कॉल तो नहीं हुआ ना। जब फंक्शन उन्होंने कॉल करा हमने लाइन नंबर 104 में, तब जाके वो कंसोल रिटर्न होगा। 103 में कंसोल करवा दो एक और के कॉल्ड एबीसी, 103 में एक और कंसोल करवा दो कॉल्ड एबीसी, ताकि ये पता चल जाए कि अभी तक एबीसी कॉल हुआ है। ठीक है, अब डेफिनेटली जब फू चलेगा तो एन नहीं चलेगा। जरा गौर से देखिएगा, पहले पहली वाली लाइन चली जिसमें एबीसी को कॉल किया, उसने रिटर्न कर दिया कोई फंक्शन, और वो फंक्शन किसमें सेव हुआ हुआ है? फू वाले वेरिएबल में। ऐसा है yes, तो अभी तक हमने फू को कॉल नहीं किया। नेक्स्ट लाइन पे आया, नेक्स्ट लाइन पर हमने कंसोल लगा दिया कि भाई अभी एबीसी कॉल हो चुका, यानी अब क्या हुआ, फू के अंदर कोई चीज स्टोर है। अब फू के अंदर क्या स्टोर है, एबीसी ने क्या रिटर्न किया? एनी सर, एनी किया फंक्शन, एबीसी ने नया फंक्शन हमने कंसोल लगाया हुआ है, इज अ डिफरेंट थिंग। हां तो अब फू के अंदर क्या सेव हो गया, एक फंक्शन सेव हो गया। अब फू की टाइप डेटा टाइप क्या हो गई? फंक्शन, फंक्शन डेफिनेटली। तो अब हमने जो नेक्स्ट लाइन में जो आपको एनी नजर आ रहा है, जब हमने फू को कॉल किया ना तो उसने प्रिंट क्या करवा के दी थी आपको, ये एनी, एनी अंदर वाला फंक्शन। ठीक है, ये हायर ऑर्डर हुआ, हायर ऑर्डर से मतलब पहला कॉल हुआ, उसके बाद डेफिनेटली कौन सा कॉल हुआ, दूसरा। तो ये ऑर्डरिंग चलेगी डेफिनेटली, हमेशा हर केस में। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी तरीके से पहले फू वाले को कॉल कर दो, क्या पॉसिबल है पहले फू वाला कॉल हो जाए? कोड पे आना मंसूर, कोड पे आना। ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो ये लाइन सर 97, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं पहले 97 को कॉल करूं फिर 95 को कॉल करूं? यस सर, कैसे बताइएगा? नहीं सर, कैसे पॉसिबल है? अच्छा, लाइन नंबर 102 से 104 तक कमिट कर दो। अच्छा, अब बताएंगे मैं ऐसा क्या करूं कि पहले मैं 97 वाली लाइन चले फिर 95 वाला कंसोल चले, पहले एनी चले और फिर एबीसी चले? सर शायद अगर हम एबीसी के साथ डबल राउंड ब्रैकेट दें तो सेकंड फंक्शन पहले चल जाए शायद। नहीं, इम्पॉसिबल है, वो भी करवा के दिखाने वाला हूँ, वो नेक्स्ट हमारे पास वही है। लेकिन अभी यही है, अभी चले यही अभी पढ़ा है ना, अभी इस हिसाब से ही बता दें कि क्या पॉसिबल है। नहीं नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं। हायर ऑर्डर नो सर, पहला नहीं चलेगा तो दूसरा कैसे चलेगा, पहले के अंदर ही दूसरा है ना? यस। ठीक है, अच्छा, अब बॉडी के अंदर है तो डिफरेंट हो सकता है, कॉल करने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। ये देखिए, एक तरीका तो ये था लाइन नंबर 102 और 104, अब एक इसका एक और तरीका है, दूसरा तरीका दिखाना लड़के मंसूर करके। डायरेक्ट सर? नहीं नहीं, एबीसी कॉल करना और वापस कॉल कर देना। यस, ये भी एक तरीका है। अब जरा ये देखिए क्या हुआ होगा, जरा सोचिए इसके बारे में, ये क्या जादू हुआ सर? सर ये क्या है सर, ये दो बार क्यों सर? हाँ, अब आप बताए ना, आप बताए फंक्शन की फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। अच्छा, हमने देखें हुआ क्या, जब एबीसी कॉल हुआ तो इसने क्या रिटर्न किया? इसने एबीसी जो कि रिटर्न एक फंक्शन करता है, तो यहाँ पे भी यही हुआ ना, एबीसी ने जब चलाया तो एबीसी ने जब रन हुआ तो उसने क्या रिटर्न किया, एक और फंक्शन। तो क्या वही फंक्शन को मैं वापस नहीं डायरेक्ट कॉल कर सकता? ये तरीका है, मतलब सही तरीका अगर आप मुझसे पूछेंगे तो यूजुअली हमें जो यूज करना चाहिए वो यूज करना चाहिए 102 से लेके 104 वाला, लेकिन ये भी एक तरीका है कोड के अंदर यूज करने का। अब ये हमने क्या किया, इसको चलाओ जरा एक दफा, देखो क्या चला या नहीं चला। सही चला, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड।
अब हम एक पैरामीटर लेते हैं उसके अंदर, सेकंड वाले के अंदर कुछ भी ले लो और उसको प्रिंट करवा दो। अच्छा अब क्या करना चाहिए आप लोग को पता है, रुक जाओ कुछ नहीं करना मंसूर, दो मिनट रुको, दोनों खोल दो, दोनों ओपन कर दो, दोनों कोड खोल दो, 102 से 104 भी खोल दो, ठीक है, अनकमेंट कर दो कोड, ठीक है। अब बताओ क्या करना चाहिए सर, फॉर्म में क्वेरी या नेम पास करेंगे, एक सर आर्गुमेंट पास करेंगे, पास करो 104 पे, 104 पे ही करना पड़ेगा ना फॉर्म में, जी सर एबीसी में करूं 102 पे नहीं, 102 एबीसी में अली डालो, क्या नाम है एक पैरामीटर पास करो अली एबीसी में, हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ और पास कर दो, असद पास कर दो, ठीक है साथ असद जो भी दिल गया, ठीक है अब चलाओ इसको, बस नहीं छोड़ दो इसको, दो मिनट छोड़ दो, ठीक है इसको कमेंट कर दो, हाँ इसको कमेंट कर दो, चलो थोड़ी देर के लिए पहले यहाँ से समझ जाओगे ना आप लोग तो फिर नेक्स्ट पे समझ में आएगा चीजें और बेहतर। हाँ जी क्या हुआ, अली का है मुझे ये बताओ सर, वो इसलिए कि बेसिकली जो एबीसी है वो कोई पैरामीटर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, या दे दिया तो वो तो हाँ वो वाइड हो गया समझ लो, ठीक है बैक करो वापस कोड पे आओ। अब जरा समझाने के लिए जरा समझिएगा, क्या लाइन नंबर 95 पे पैरामीटर पास कर रहे हैं, मतलब कोई फंक्शन पैरामीटर ले रहा है हमारा, नहीं नहीं ले रहा, ठीक हो गया। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि लाइन नंबर 97 पे कोई पैरामीटर ले रहा है ना, यस नेम का, अब जरा सोचिएगा जरा गौर से, जो लाइन नंबर 102 पे हमने अली पास किया हुआ है तो एबीसी फंक्शन तो इटसेल्फ कोई पैरामीटर ही नहीं ले रहा, तो यहाँ पे अली देने का कोई फायदा हुआ, No. नाम देने का नहीं, नहीं तो ठीक है ये वाला रिमूव कर दो पैरामीटर। हाँ आपको ये पता है कि जो सेकंड फंक्शन है वो कोई पैरामीटर ले रहा है, तो सेकंड फंक्शन है वो सेव ऑलरेडी किसमें हो चुका है, फू के अंदर, ऐसा ही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड फंक्शन फू में सेव हुआ है उसको मैं पैरामीटर पास करूंगा ना लाइन नंबर 104 पे, जबरदस्त। अच्छा अब यही काम मुझे 106 पे करना है, अब मुझे बताएं क्या करना है, क्या करना चाहिए अब जरा आप लोग ही बताएं सर, ये सेकंड पैरामीटर पास करेंगे। अच्छा ठीक है अब 906 खोल के सेकंड वाले पैरामीटर में पास कर दो अली, ठीक है अब इसको रन करो, क्या अब ये सही चला, यस यस सर समझ में आया, तो डेफिनेटली अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन के हिसाब से जो पैरामीटर होगा आपको उसी वक्त वो पहले पैरामीटर्स देने पड़ेंगे, ठीक है चले आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, बल्कि वो इसी स्लाइड में रुको, अभी और भी चीज है, ठीक है अब ये वाला देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला इंटरव्यू के अंदर भी बहुत दफा आता है, मल्टीप्लायर जरा क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ना, ये मल्टीप्लायर एक फंक्शन बनाया ना मल्टीप्लायर, जरा देखो फंक्शन पढ़ के मुझे बताओ क्या कर रही है, जादू और नीचे उसके एग्जांपल भी लिखी हुई है, जरा वो भी जरा समझा देना कि ये हुआ क्या, डबलर मल्टीप्लायर तो दे दिया, और उसको फैक्टर से मल्टीप्लाई करके रिटर्न करवा दिया, ये तो सही है। तो अब ये डबलर और ट्रिपलर में क्या हो रहा है, डबलर में 2 से हो रहा है और ट्रिपलर में 2 से हो रहा है और ट्रिपलर में 3 से हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मैं डबलर को जब जब कॉल करूंगा जो जो पैरामीटर पास करूंगा वो मल्टीप्लाई किससे करेगा, 2 से और मल्टीप्लायर जब मैंने इसको फैक्टर 3 दे दिया तो जब इसका एक फंक्शन बन गया ट्रिपलर के अंदर, अब वो जब भी उस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो वो किससे मल्टीप्लाई कर रहा होगा, 3 से ना, सही है समझ में आती है बात, ये देखिए थोड़ा सा मजेदार काम हो गया, यस सर जी जी सर, चलें आगे चलते हैं, तो सर इसका मतलब ये हो गया कि जब हम मल्टीप्लायर को कॉल कर रहे हैं
सॉरी, इसका मतलब ये होगा कि जब हम मल्टीप्लायर को कॉल करेंगे तो फैक्टर की वैल्यू जो है वो एनोनिमस फंक्शन के अंदर जो है वो फिक्स हो जाएगी, स्टैटिक हो जाएगी। अच्छा एक यहाँ पे मैं रोकता हूँ, ये एग्जांपल जहन में आ गई, आप एक अपने लिए टास्क ले लें, हमें काउंटर बना रहा है कि मैं जब जब उस फंक्शन को कॉल करूँ तो काउंटर प्लस वन होना चाहिए, पॉसिबल है? सिर्फ सोचिए, बताइएगा नहीं। यस yes. बना के ट्राई कीजिएगा जी। यस yes. तो क्या इस फंक्शनैलिटी से, जो भी हमने हायर ऑर्डर फंक्शनैलिटी पढ़ी है, इससे मैं अपना काउंटर बना सकता हूँ साइड इफेक्ट, और ये प्योर फंक्शन होगा? नो नो सर, प्योर नहीं होगा, लेकिन बन सकते हैं। प्योर क्यों नहीं होगा, सवाल है जी। तो इस वजह से साइड इफेक्ट है क्या? लेकिन अगर हम उस फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल बना लें, लोकल वेरिएबल बना लें और उसको इनर फंक्शन के अंदर डाल दें तो फिर तो साइड इफेक्ट नहीं होगा। सही है, सही, बिल्कुल सही है। आप एक मिनट, पहली बात कि आप इस फंक्शन को चेंज कर रहे हो लेकिन इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप अपने ही वेरिएबल को चेंज कर रहे हो अपने फंक्शन के अंदर, तो इट्स नॉट अ साइड इफेक्ट, ठीक है? पहली बात, ये जो फंक्शन बना हुआ है ये आपका प्योर फंक्शन बना हुआ है कि आपके ही फंक्शन चेंज कर रहा है और वो कुछ रिटर्न कर रहा है, सिंपल से वर्ड में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ये, क्योंकि कोई ग्लोबल ले लिया काउंटर। देखें अपने वेरिएबल्स को कम दे रहे हैं हम, अपने आर्गुमेंट को जो ले रहे हैं अगर उसी को चेंज कर रहे हैं तो वो साइड इफेक्ट है, क्योंकि उसके मतलब ये था, क्योंकि वो हम अगर आप गौर से देखो तो वो रेफरेंस बाय कॉपी था एरे की शक्ल के ये, और लेकिन जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं ओवर हियर तो ये तो इटसेल्फ फंक्शन के अंदर ही सब कुछ कर रहा है, इससे कोई बाहर के आपके जो भी आपका ग्लोबल है उसके अंदर तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, राइट? अच्छा देखिए, काउंटर बनाने के दो तरीके, एक तरीका ये सिंपल सा कि मैं ऊपर वेरिएबल बनाऊ वार काउंटर, एक नीचे फंक्शन बनाऊ के एड वन या इंक्रीमेंटल, तो ये क्या करेगा हमेशा उसको इंक्रीमेंट करता रहेगा और ग्लोबल वेरिएबल है उसको चेंज करता रहेगा। यस, तो क्या ये सही तरीका है? No. नहीं सर, क्या ये जो अभी हमने ये वाला जो अभी हमने पढ़ा मल्टीप्लायर, क्या इससे मैं अगर काउंटर बनाऊ इस वाली फंक्शनैलिटी से तो क्या ये सही तरीका है? यस एग्जैक्टली, यस ओके, गुड हो गया जी, गुड हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ये शॉर्ट हैंड जो नीचे लिखा हुआ है ये भी हम पढ़ते हैं, ठीक है? ये हमारे पास नेक्स्ट अभी एक है लैम्डा फंक्शंस, वो अभी हम देखते हैं, ठीक है? बल्कि लैम्डा फंक्शन देख ही लेते हैं यार, और मेरे पास टाइम कितना बचा है? एक घंटा है, ताकि आपको पता हो कि जावास्क्रिप्ट से नेटवर्क कॉल्स हम किस तरह करेंगे। लैम्डा फंक्शंस पे आते हैं, देखना स्लाइड है लैम्डा फंक्शंस की, इसमें वरना तो डायरेक्ट करते हैं, होना तो चाहिए ये रहा। हम शायद ये देखें लैम्डा फंक्शंस है हमारे पास, ठीक है? लैम्डा फंक्शंस फंक्शंस ये ज़ूम आउट करोगे तो ज़ूम होगा, ठीक है? ये उल्टा होता है यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, बस। अच्छा लैम्डा फंक्शंस में होता ये है कि कोर कॉन्सेप्ट ये इसका, वो अभी हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे जब हम उस कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे, लेकिन अभी सिंपल से वर्ड ये कहता है, हाँ लैम्डा फंक्शंस का मतलब इक्वल्स टू एरो फंक्शंस, एक नॉर्मल फंक्शन लिखना, अब वीएस कोड का एक नॉर्मल सर जी फैट एरो फंक्शन लैम्डा फंक्शन सब एक ही चीज है, ठीक है? फंक्शन लिखने का तरीका है डिफरेंट तरीका, इन सिंपल वर्ड्स के लिए सिंपल से वर्ड्स में लिखते हैं। एक सेंटेक्स तो आपके सामने ये हटा दो, हाँ पूरा गायब कर दो, ठीक है?
और एक लैम्डा फंक्शन के साथ अगर मुझे लिखना हो तो उसका सिंटैक्स डिफरेंट है, दिखाता हूं आपको। करिएगा एक इसी को लैम्डा फंक्शन के साथ बनाइएगा एबीसी को, इसका ये सिंटैक्स, एक मिनट, दो मिनट रुकना। लाइन नंबर 108 को है ना ऊपर ले जाओ, लाइन नंबर 06 के पास, इसका सिंटैक्स देख लो आप लोग किस तरह होता है ना। ये इसका सिंटैक्स है, यानी राउंड ब्रैकेट्स इक्वल्स टू एंगल ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ये इसका सिंटैक्स है। फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, फंक्शन नेम राउंड ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट, ऐसे ऐसे ठीक है। लैम्डा फंक्शन जो होते हैं वो ज्यादातर आपके एनोनिमस फंक्शन होते हैं, हाँ वेरिएबल में सेव करेंगे इसको। तो ये क्योंकि एनोनिमस फंक्शन है ना, एनोनिमस फंक्शन या तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या किसी वेरिएबल के अंदर, नहीं इनवोक नहीं है अभी, ये इनवोक नहीं हुआ अभी, ये सेव हो रहा है। इनवोक तो फंक्शन की तरह ही होगा ठीक है, अगर फिर एबीसी टू को इनवोक करना है तो कैसे होगा, एबीसी टू आगे राउंड ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट डिक्लेयर। सर ये तो किया ना अभी तो हमने इसे फैट एरो फंक्शन को, यस ये फैट एरो फंक्शन कहलाता है, मतलब ये वाला जो ये कौन, ये भी हटा देना जरा, कॉन्स्ट एबीसी इक्वल्स टू, दो मिनट के लिए लाइन 106 पे ही सिर्फ सिंटैक्स बना के दे दो, राउंड ब्रैकेट फैट एरो फंक्शन का सिंटैक्स बना के दे दो मुझे। हाँ भाई देखो फंक्शन का सिंटैक्स आपको पता है ना, फंक्शन नेम राउंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट, और ये फैट एरो फंक्शन या इसको लैम्डा फंक्शन कहते हैं, दोनों सेम है, कोई भी लेट कोई कहता है लैम्डा फंक्शंस और कुछ लोग कहते हैं फैट एरो फंक्शंस, तो ये दोनों सेम ही है ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, यूज करने के तरीके सेम है, सब कुछ सिंपल। एरो फंक्शन होता ही नहीं है ना कोई, भाई नाम है उसका फैट एरो, लैम्डा फंक्शंस होता है या फैट एरो फंक्शंस कहते हैं इसको ठीक है, ठीक है सर, फैट एरो फंक्शंस, लैम्डा फैट फैट एरो फंक्शन, अच्छा ये तरीका है ठीक है, सिंटैक्स है सिंपल से वर्ड में, और ये हमेशा ज्यादातर क्या होते हैं हमारे पास एनोनिमस ही होते हैं लाइक दिस। अच्छा अब इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना और वही कंसोल कर दो वापस से एबीसी ठीक है, अनकमिट करके कंसोल कर दो एबीसी, इसी में भी बोले एबीसी टू कर दो ज्यादा बेहतर है ठीक है। अच्छा इसमें कंसोल जी जी इसी फंक्शन के अंदर ठीक है। अब देखें ऊपर वाला जो फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, और नीचे वाला जो फंक्शन है ये लैम्डा फंक्शन है या तो फैट एरो फंक्शन ठीक है, सिंपल से वर्ड्स में गुड हो गया। ये इनवोक करना मसला नहीं है, करके दिखाऊं या आगे चले सर? अच्छा इसके अंदर और भी चीजें, आगे चलने से पहले सर ये भी बात बता दें कि ये हम फैट फैट एरो फंक्शन क्यों हम यूज कर रहे हैं और ये एज अ नॉर्मल फंक्शन क्यों नहीं हम यूज हम कर रहे हैं, क्यों ये हम करते हैं? दोनों यूज कर सकते हैं ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं। जब हम एनोनिमस फंक्शन जहां पे ज्यादातर यूज करने होते हैं ना वहां पे हम कोशिश करते हैं कि हम लैम्डा फंक्शन यूज करें, क्योंकि आपके पास लिखना कम हो जाता है, कीवर्ड फंक्शन नहीं आता और शॉर्ट हैंड भी यही है। एक्चुअली ये जो लैम्डा फंक्शन आए ना ये शॉर्ट हैंड के लिए आए हुए आपके पास, इसकी एक दो खसूसियात और है वो हम फिर आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि फंक्शन और लैम्डा फंक्शंस के अंदर जो दिस का कीवर्ड है वो किस तरीके से इफेक्ट करता है, बाकी ये सेम ही है ठीक है, शॉर्ट हैंड है ये फंक्शन यूज करने का। अब देखें अगर मुझे ठीक है लाइन नंबर मैं अपनी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन शेयर करूँ ये पढ़ाने के लिए जी सर, ताकि मैं थोड़ा सा बताने के लिए कर दूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे ठीक हो गया, इसकी नजर आए तो बताइएगा विजिबल हो जाए तो आ गया ना ठीक है। ओके एक हमने देखा फंक्शन का सिंटैक्स सिंपल से वर्ड्स में फंक्शन, और एक है लैम्डा फंक्शन ठीक है, ये एनोनिमस फंक्शन है, ये आपका ये भी एनोनिमस फंक्शन है, अगर इसी को नेम फंक्शन बनाना हो तो ये नेम्ड फंक्शन है, और अगर इसको नेम फंक्शन बनाना हो तो ये नेम फंक्शन, ये क्लियर हो चुका तो आगे चलूंगा। यस सर ये हो गया सर ठीक है ठीक है ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अभी हमने देखा था एक फंक्शन बनाया था फू, और उस फू फंक्शन के अंदर हम करते हैं क्या करते हैं कंसोल, और ये भी हमने करके अभी देख लिया, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ ताकि मैं एक साथ ही ये वाला कोड कॉपी पेस्ट कर दूंगा चैट पे ना आपके लिए। और इसी को अगर मुझे नेम से बनाना हो कॉन्स्ट अच्छा, आप जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी अब मैं इसके थोड़े से और शॉर्ट हैंड की तरफ जाना चाहूंगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा ये देखें, एक तरीका तो ये है, इसका एक और तरीका है, इसका एक तरीका है, और ये एक मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे, जहां पे मल्टीपल लाइन का काम होगा, वापस सुनिएगा, जहां पे आपको मल्टीपल लाइन का काम होगा तब आप कौन सा यूज करें, कर्ली ब्रैकेट, फैट एरो फंक्शन। नहीं नहीं, अच्छा सर, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब आपको कर्ली ब्रैकेट फंक्शन, तो आप कोई भी यूज करें, आपके अभी इसमें कोई वो नहीं है लिमिटेशन, ठीक है, फैट एरो फंक्शन आपका काम शॉर्ट हैंड कर देता है, बॉडी सर हम मतलब दे दे। अब जरा गौर से सुनिएगा, जहां पे मल्टी लाइन का काम हो आपको, लेट्स से यहाँ पे अगर आपको कुछ मल्टी लाइन काम करना हो उस फंक्शन के अंदर, होता है ना कि कभी कभार वन लाइनर फंक्शन भी होता है, कभी कभार मल्टी लाइनर, ये अभी कौन से केस में, हमारे केस में कौन सा है, वन लाइनर मल्टी लाइनर, मल्टी लाइनर है। अभी अगर अगर आप गौर से देखें तो ये फंक्शन वन लाइनर है, इसमें अगर ये देखें तो एक लाइन का ही काम हो रहा है, कोई खास काम नहीं है। आपके पास ऐसी चीज हो ना, तो वन लाइनर के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस इंस्टेड ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। और दूसरी चीज के कभी भी आपको कोई रिटर्न करना हो ना वन लाइनर रिटर्न, तो ये एक्चुअली ये जो चीज करता है ना, ये वन लाइनर रिटर्न है, यहाँ पे अगर आप कर दो एक्स वाई जेड एबीसी एक्स वाई जेड वॉट वॉट, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वन लाइनर रिटर्न भी है, यानी यहाँ से अगर राउंड ब्रेक इसके बाद अगर आपने कुछ भी यहाँ से दे दिया, ये इसको रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न कर रहा है, हाँ यस, ये इसकी अच्छी चीज है। हमने लास्ट अगर हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने कहा था कि हमने यूज किया था नम्स डॉट मैप और वी दिस वी मल्टीप्लाई बाय वी, ये क्या था हमने क्या, अब लैम्डा फंक्शंस के साथ अगर आप जरा इसको सोचो तो क्या ये सही चल रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज भी है, अगर यहाँ पे सिंगल पैरामीटर है तो आपको राउंड ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, ये भी इसका शॉर्ट हैंड है, लेकिन हाँ अगर मैप के साथ अगर आपको क्या चाहिए इसका इंडेक्स, तो ये सिंगल में नहीं चलेगा, फिर इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे एक राउंड ब्रैकेट देन कॉमा राउंड ब्रैकेट, और लेट्स से अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि मल्टीप्लाई बाई आई, थोड़ी देर में समझ में आती है बात, ये देखिए कितना शॉर्ट हैंड होता जा रहा है लैम्डा फंक्शन, लैम्डा यस हाँ, अगर लेट्स से यहाँ पे अगर आपको कुछ और ज्यादा काम करना होता तो फिर आप आई वुड से कि फिर आप मल्टी लाइन यूज करो, फिर आप यहाँ से रिटर्न, तो कितना आसान हो गया, वरना अभी 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 तक हमें ये करना पड़ता था, यहाँ पे फंक्शन का कीवर्ड यूज करना पड़ता था और हर सूरत में यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना के अपना काम करना पड़ता था लाइक दिस, लेकिन जब ये लैम्डा फंक्शन में कन्वर्ट हुआ तो देखिए कितना शॉर्ट हो गया, अगर वन लाइनर है तो फिर बहुत शॉर्ट हो गया, सिर्फ एरो है, सॉरी हाँ 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 ये देता हूँ, तो यहाँ पे लेट से अगर ये पैरामीटर लेता है वी, थोड़ी देर के लिए कहते हैं, और हम इसको यहाँ से कंसोल करवाते हैं, मैं कहता हूँ ये कुछ ना, जब हम ये कुछ भी नहीं दे रहे तो ये रिटर्न करता है, तो अगर हमारे केस में ये रिटर्न करेगा तो जब ये कंसोल चलेगा तो कंसोल क्या रिटर्न करता है, इटसेल्फ वाइट फंक्शन है ना ये भी, तो इटसेल्फ ये क्या रिटर्न करेगा आपको, अनडिफाइंड। क्या ये पॉसिबल है, मैं ये कहता हूँ कि सम, अब देखिएगा कितना मजेदार काम नजर आएगा आपको, एक तो फंक्शन के साथ आप जरा सोचिएगा और अभी सोचिएगा, हम कहते हैं कि यार ये लेगा नम वन और नम टू, और इसको हम क्या करेंगे भाई, एक ही लाइन के अंदर नम वन प्लस नम टू, अब हम कहते हैं कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई
ये भी दो वेरिएबल्स लेगा, बल्कि ये एक वेरिएबल लेगा, लेट से थोड़ी देर के लिए हम ये कहते हैं मल्टीप्लाई बाय, हम करेंगे थ्री, सॉरी माय बैड, फैक्टर, कोई भी फैक्टर एफ एस सी, थोड़ा सा ऊपर करें तो ठीक है, दिख नहीं रहा, और इसको हम, हाँ मैं करता हूँ ऊपर, एक मिनट पीछेगा, हम कहते हैं फैक्टर मल्टीप्लाई बाई सम, और फिर जब सम यहाँ आएगा तो यहाँ पे भी मुझे क्या लेने पड़ेंगे, नम वन एंड देन नम टू, नम टू, ये कुछ समझ में आया, ये मैंने क्या जादू किया यहाँ पे बैठकर, मतलब क्या किया, जी अब यहाँ पे आके लिख दूँ मल्टी, तो ये फंक्शन मल्टीप्लाई बाई कर दो 3, 4, x, y, z और नंबर ले लो 2 + 4, क्या हुआ ये समझ में आया, जब ये कॉल होगा तो ये वाला कोड जरा समझने की कोशिश करें, क्या मिलेगा आंसर मुझे, 18 मिलेगा, 2 + 4 18 मिलेगा सर, सही है 2 + 4, क्योंकि ये तो नम है ना, ये नम जाएगा सम के पास, सम पे गया तो प्लस, यानी 2 + 4 क्या हो गया, Add. Right. सही है, तो यानी जब ये वाला फंक्शन चलेगा सम का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, और फैक्टर में क्या सेव हुआ हुआ है 3, ऐसा ही है, तो ये 18 हो जाएगा, 3 × 6 ठीक है। अच्छा अब अगर ये सोचें डबल का एक फंक्शन बनाऊ मैं, ठीक है, ये डबल का एक फंक्शन बना दिया, इसके अंदर मैं लेता हूँ लेट से एक पैरम फैक्टर ले लें थोड़ी देर के लिए, और इसको मल्टीप्लाई कर दें नम लेके, मल्टीप्लाई कर दें 2, इसको नम कर देता हूँ। अब देखिए इसको कॉल करने का तरीका और आसान, ये अगर राउंड ब्रैकेट है तो आपको 2 भी नहीं देने, नम लाइक दिस, यानी अगर मल्टीपल पैरामीटर आते तो आपको क्या यूज करना है, राउंड ब्रैकेट, राउंड राउंड ब्रैकेट, क्योंकि कॉमा सेपरेटेड है ना, तो आप सिंगल और नहीं कर सकते, हाँ अगर एक ही पैरामीटर लेना है तो ये देखिए शॉर्ट एक ही तो बस ऐसी थे, तो अगर मैं यहाँ पे आके लिख दूँ डबल एंड देन कॉल 4 तो क्या आएगा, फोर टू जा 8, ऐसा होगा, यस सर, तो ये देखा ये फैट एरो फंक्शंस कितना सिंपल सा हो गया, वन लाइनर, अगर यही चीज अगर मुझे उसमें लिखनी होती तो क्या करना पड़ता, फंक्शन डबल फंक्शन नेम, हाँ नम एंड देन कर्ली ब्रैकेट देन नम मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन क्या करना पड़ता है, कीवर्ड भी ऐड करना पड़ता जबरदस्ती का रिटर्न, जबकि इस फैट एरो फंक्शन के बाद अगर आपने डायरेक्ट वन लाइनर डाला हुआ तो वो रिटर्न करेगा यहाँ पे जो भी होगा, व्हाटएवर बूलियन वैल्यू नंबर ऑब्जेक्ट व्हाटएवर जो दिल करे, समझ में आती है बात, यस सर। इसका एक और कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि खासकर इंटरव्यू में पूछा जाता है, रिलेटेड विद दिस कीवर्ड, वो हम थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे जब हम दिस पे आएंगे, लेकिन अभी फैट एरो फंक्शन समझ में आ गया, शॉर्ट हैंड फंक्शन आपके, यस सर। नहीं मैं चाहूंगा कि नहीं मैं सिर्फ नेटवर्क कॉल करके दिखाऊंगा आपको, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। मंसूर ये भी कर रहा हूँ मैं सेव करके आपको जी सर। दे रहा। हमें अब एपीआई कॉल पता है आपको उसकी गेटअप की पैच, हाँ पैच हम यूज कर लेंगे, और फैच के साथ हमें वो यूज करना है, बल्कि हमने कॉल बैक भी नहीं पढ़ाया ना इनको अभी तक, ठीक yes, है तो पहले फैच देखते हैं फिर कॉल बैक की तरफ, ठीक है सर। यूआरएल वगैरह यूज करेंगे या वो यूज करेंगे आप, टू डू वाली एप्लीकेशन की बात, टू डू की एपीआई यूज करोगे, कोई सी भी दे दो सर, ठीक है, चैट 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 में तो फर्स्ट को चैट पे दे दूं पहले, ओके चैट पे मैंने पेस्ट कर दिया आपको, और हम देखते हैं आप अभी 2 मिनट के लिए रुक जाएं, मैं आपको देता हूं, ओके सर। गेटअप पब्लिक एपीआई
सर कोई सी भी आईपीआई ले लो टेक्स्ट हो ठीक है मेक अ रिक्वेस्ट ठीक है ठीक है लॉगिन की जरूरत नहीं है ये तो ठीक है नहीं यार ये वाली नहीं यार इसकी सिंपल सी एपीआई थी एग्जांपल एपीआईस सर जेसन प्लेसहोल्डर की एपीआई ले लें अगर हाँ एंड वही है इसी मुझे मिल जाए जल्दी से ये था ठीक है मिल गई अच्छा जी ये आ गया यूजर्स स्लैश ठीक है ये देखें ये पब्लिक एपीआई गिटहब ने दी हुई है यानी अगर आप गिटहब से कोई डेटा लेके अपनी वेबसाइट में दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक है यूआरएल मैं आपके साथ शेयर करूं इधर ये लें ये यहाँ लास्ट में ना मेरा यूजर नेम लिखा हुआ है स्लैश ये जो नाम है मेरा यूजर नेम है आपको अपना यूजर नेम यहाँ पे लिखना है अपने गिटहब का जो भी आपका यूजर नेम होगा तो आपकी डिटेल आ जाएगी अब ये देखिए मेरे डिटेल आ रही है यू को तो मेरी ये रेपो है ये अवतार्स हैं ये रेपोज सारी चीजें यहाँ पे ये सारी मौजूद हैं ठीक है इसके अंदर आई थिंक रेपोज भी होता है सही ये दी भी है ना रेपो की हाँ ये रही देखें स्लैश यूजर स्लैश रेपोज ये रहा ठीक है तो ये देखें ये इस तरीके से आप अपनी रेपोजिटरीज भी देख सकते हैं ठीक है ये पब्लिक है अब इसको मुझे दिखाना अपने वेबसाइट पे कैसे करूँगा स्क्रीन शेयर कीजिएगा मंसूर और एपीआई हिट करके दिखाइएगा और डेटा जो आए ना वो जरा इनको दिखाइएगा जेसन फॉर्मेट में और वो जरा फोर लूप के अंदर ना लूप करके सारे दो तीन डेटा दिखा दीजिएगा किस तरीके से सिर्फ आज की क्लास यहाँ रखते हैं सिंपल से वर्ड ये नेटवर्क कॉल करेंगे यही नेटवर्क कॉल होगी ना देखें आप अपनी वेबसाइट से यानी अपनी एप्लीकेशन से आप डेटा लेने जा रहे हैं तो आप जब भी किसी भी जगह डेटा लेने जाए या अपना सर्वर हो या थर्ड पार्टी सर्वर हो तो नेटवर्क कॉल लगती है कि ये नेटवर्क के थ्रू रिक्वेस्ट जाएगी वहां से डेटा आएगा एंड देन यू आर एबल टू शेयर यू आर ये सर गेट की रिक्वेस्ट जाएगी ना गेट की रिक्वेस्ट हां ये अभी हम उस पे बाद में आते हैं गेट पुट पोस्ट अभी तो हम लोग सिंपल है कि फेच देखिए ये एक फंक्शन है जो आपको ब्राउजर के अंदर मिल जाएगा क्या नाम है इसका फेच फेच सिंपल से वर्ड में फेच के अंदर हम ये देंगे एंड देन तो मैं जैसे वो डेटा स्क्रैपिंग में डेटा लेता somehow डेटा स्क्रैपिंग वाला तो खैर नहीं है ये तो ऑफिशियल इन्होंने पब्लिक दिया हुआ अगर आप इसको ज्यादा हिट करोगे तो ये ब्लॉक भी कर देता है 24 आवर्स के लिए हेलो सर आपका आवाज आ रही है जी जी आ रही है हां सर मुझे एक्चुअली पूछना था कि ये हमारा जो ये सीएनसी का जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये क्विज बेस्ड होगा या असाइनमेंट बेस्ड होगा ये असाइनमेंट क्विज बेस्ड तो सर ये असाइनमेंट जो हमें मिलेंगे ये ग्रेडेड है कि नहीं हाँ हाँ ये है ग्रेडेड है जी जी जी
सर ये तो सर आपने अभी तक लिंक नहीं दिया सर कि हम कहां पर ये अपना मुझे अभी तक मिला नहीं है, मैंने रिक्वेस्ट की हुई है तो वो मुझे क्रिएट करके लिंक देंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है ओके सर। तो ये असाइनमेंट्स कहां अवेलेबल होंगे? यार ये उसी के अंदर है ना, वीडियोस के साथ साथ वीडियोस में बस सर। अच्छा मैंने एक लिंक दिया है, जरा ओपन करना मंसूर चैट पे। तो असाइनमेंट जमा कराना जरूरी है? बिल्कुल यार, असाइनमेंट तो जमा करवाना जरूरी तो है, क्योंकि उसका रीजन यही है कि आप कितना सीखें इस वजह से। अच्छा ये देखें, दो मिनट के लिए रुक जाए। देन क्या है सर, ये देन क्या है? मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट देते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर के लिए हम ये देखते हैं कि आप कोई भी यूटिलिटी यूज करते हैं ना तो उसकी डिटेल मौजूद होती है। तो अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? फेच। मैंने बताया था फेच हमारे पास मौजूद है, तो इसकी सारी असल में आपको ना ये जो जावास्क्रिप्ट के हमारे पास जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस मौजूद है ना उसकी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है मोज़िला के ऊपर, mozilla.org के ऊपर। तो अभी हम देखने जा रहे हैं फेच, उसके हिसाब से कंसोल देखना हो, एरे देखना हो आपको, एरे जरा एक नए में आके लिखना एरे एमडी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जावास्क्रिप्ट? हां ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है इसकी। क्या लिखना है सर? ब्राउजर में आना और सर्च करना एरे एरे MDM, ठीक है लिखो। हाँ M, हाँ मारो एंटर। तो ये देखें डेवलपर्स mozilla.org के ऊपर एरे जो अभी हम तक हमने पढ़ा, ये देखें एरे के सारे ये प्रोटोटाइप हमने पढ़े हुए हैं, और भी ज्यादा है। देखें जरा स्क्रॉल डाउन करना मेथड्स के पास, मेथड्स आपके लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस में। ये देखें क्या अभी तक हमने ये सारी चीजें, सारी तो नहीं पढ़ी लेकिन कुछ हद तक कुछ चीजें पढ़ी हुई है। फिल्टर पढ़ा हमने, पॉइंट पढ़ा हमने, लेफ्ट साइड पे स्क्रॉल डाउन करना, जो मेन्यू आ रहा है ना लेफ्ट साइड में स्क्रॉल डाउन करना। क्यूबरनेटस की तरह उसके डॉक्यूमेंटेशन भी है। हाँ डॉक्यूमेंटेशन तो हर चीज की होती है, आप कोई भी लाइब्रेरी यूज करोगे उसकी भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो ये देखिए इंडेक्स, अब देखिए ये फाइंड हमने पढ़ा था, फाइंड इंडेक्स नहीं पढ़ा। फाइंड क्या करता था? आपको वो वैल्यू फाइंड करके देता था, यही है ना, रिटर्न कर देता था वो वैल्यू। अब फाइंड इंडेक्स क्या करेगा? नाम पढ़ के समझ में आता है, इंडेक्स फाइंड करके देगा, इंडेक्स को फाइंड करके देगा। अब आपको पता है कि फाइंड में मसला ये है कि वो एक दफा चलता है और जहां पे वैल्यू मिलती है वहां पे आपका टर्मिनेट हो जाता है ना अरे आपका। तो अब जो इसके नीचे फाइंड लास्ट और फाइंड लास्ट इंडेक्स, ये क्या करता होगा पढ़ने से क्या लगता है? लास्ट तक सर ये आखिरी तक वैल्यू तक जाता होगा, ये लास्ट से देखता होगा, जैसे हम एरे के अंदर था ना लास्ट इंडेक्स से हम वैल्यू देखते थे। अच्छा रिवर्स चलता है, ठीक है। लास्ट टू फर्स्ट, फॉर ईच हमने पढ़ा, ठीक है। ये मैप और फ्लैट मैप अच्छा खासा यूज होता है, ठीक है। हमारा अभी कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन रियल लाइफ के अंदर ना जब आपके पास टू डायमेंशनल थ्री डायमेंशनल एरे होती है तो मैप और फ्लैट मैप अच्छा खासा चलता है, ठीक है। देखिएगा जरा इसको भी, तो ये देखें ये सारे इसके पास मौजूद है इंक्लूड्स, और ये आप देखिएगा ये देखें सारे प्रोटोटाइप मौजूद है यहाँ पे। आप किसी पे भी क्लिक करें, दो मिनट के लिए क्लिक करना किसी एक पे, फाइंड पे क्लिक कर दो पहले या इंक्लूड पे क्लिक कर दो, किसी पे भी दिल करे क्लिक करो। ये देखिए इसकी पूरी पूरी एग्जाम्पल बना के दी हुई है इधर, मजेदार है। डॉक्यूमेंटेशन देखिए तो आपके जिंदगी थोड़ी सी और आसान हो जाएगी, आप रन कर सकते हो यहाँ पे चीजें चेंज करके और सारा काम देख लें आप। तो ये देखिए इंक्लूड्स के अंदर वो बताता है कि जो आप एरे के अंदर जो आप आइटम ढूंढ रहे हो क्या वो मौजूद है या नहीं। वो हम फाइंड में क्या करते हैं, फाइंड में वो आपको ऑब्जेक्ट दे देता है या वैल्यू दे देता है ना। यस इंक्लूड सिर्फ आपको बता देता है ट्रू या फॉल्स, मौजूद है या नहीं, मैच वाला काम, ठीक है। तो ये देखें थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा इसको। चले आगे चलते हैं फैच। अभी हम लोग फैच की डॉक्यूमेंट, फैच क्या कहता है अभी आपको समझे कि आपको भी नहीं पता मुझे भी नहीं पता फैच क्या है। किसी ने बोला फैच यूज करके दे दो मुझे, तो आप गए डॉक्यूमेंटेशन पे, ये क्या कह रहा है फैच को यूज करने के लिए ये वाली तीन लाइनें चाहिए, ठीक है। मैं ये तीन लाइनें कॉपी करता हूँ और एपीआई तो आपको पता है ना, मैंने अभी एपीआई दी आपको। यस सर। और वो ही इधर पेस्ट कर देता हूँ फैच में। हाँ एपीआई यूआरएल ये डायरेक्ट दे दो या वेरिएबल दे दो जो दिल करे आपका, वैसे यूजुअली वेरिएबल हो तो ज्यादा बेहतर है लेकिन लेट्स से अभी डायरेक्ट दे दिया। अब हम इसको चला के देखें। यस सर।
चलें चला के भी देखें तो उसको जल्दी से फंक्शन कहीं ना कहीं मसला हुआ होगा। ठीक है बंद कर दो इसको अभी। सर कंसोल नहीं करवाया। कंसोल हुआ है वही कॉपी पेस्ट किया ना कोड उसमें सारी चीजें मौजूद थी। तो ये देखें क्या ये वही चीजें जो हमने अभी डिस्कस की थी मतलब जो मुझे ब्राउजर पे नजर आई। देखें अब ये एरे मिल गई। अब इस एरे से मुझे अगर कोई इमेज चाहिए कोई नाम चाहिए कोई नया ऑब्जेक्ट बनाना है या कहीं पे कुछ शो करना है वेरी स्पेसिफिक चीजें चाहिए तो क्या वो मैं पिक कर सकता हूँ? यस सर नॉर्मल जस्ट जावास्क्रिप्ट में करते हैं ना। जावास्क्रिप्ट क्यों सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कैसे सिक्योरिटी ब्रीच? नहीं देखें पब्लिकली है ना सर ये तो मतलब यही होता है कि ये सारी चीजें पब्लिक। ये पब्लिक क्यों है अब मैं बताऊं। अगर आप मेरी यूजर की प्रोफाइल पे जाओगे गिटहब पे तो आपको मेरा डेटा तो नजर आ रहा है ना कि जावास्क्रिप्ट का रेपो मेरी मौजूद है दूसरी रेपोज मौजूद है सब तो आपको ऑलरेडी नजर आ रही है। अब वो आपको ब्राउजर पे नजर आ रही है ये आपको एज अ डेटा दे रहा है आपको जिस तरीके से अपनी वेबसाइट में दिखाना आप वो दिखा दे। मतलब ये जो ऑलरेडी सब देख रहे हैं और वही एपीआई इन्होंने एक्सपोज की हुई है तो इट सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं है ये। ठीक है सिर्फ गेट के लिए एक्सपोज की है ना इसको अपडेट नहीं कर सकते आप इसके लिए। हाँ अपडेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए ऑथेंटिकेशन चाहिए होगी। अभी हमने कोई ऑथेंटिकेशन यहाँ पे यूज की नहीं की तो आप कर सकते हो मतलब आप पूरा काम अपना गिटहब भी बना सकते हो अगर इनके गिटहब की एपीआई को यूज करते हुए चाहो तो पॉसिबल है। ओके सर ठीक है सर। ये देखिए ये वाला जो ये फेच तो हो गया डायरेक्ट कॉल किया अगर मैं इसको किसी फंक्शन में रैप करके दे दूं तो अब ये वाला जो फंक्शन होगा ये प्योर फंक्शन होगा या इम्प्योर फंक्शन होगा? इम्प्योर ही होगा सर वैसे ये इम्प्योर होगा क्यों इम्प्योर बाहर से तो इस नेटवर्क बाहर से सर ये हां नेटवर्क वाला जी तो क्लास को यहीं तक छोड़ते हैं। अब बताएं कोई सवाल है तो कोड दिखा देना एक दफा दोबारा से वापस सर ये देन जो है सर एक मिनट रुकिएगा अब ये एक मिनट दिखाना एरे में कोई ऐसी चीज का नहीं सर आपने बताया एक मिनट दे दे मुझे सिर्फ कोड पे आना सॉरी ब्राउजर पे आना कोई एरे में से ऐसी चीज एक मिनट रुकिएगा एक्टिव यूआरएल छोड़ दो क्रिएटेड छोड़ दो डिफॉल्ट ब्राउज छोड़ दो कोई ऐसी चीज जो मुझे मिल जाए बॉक्स रश के आओ नीचे नीचे एक मिनट कोई नेम्स ले लो नेम्स नेम्स अच्छा मुझे ये बताओ ये सारी एरे तो मेरे पास मौजूद हो गई मुझे इसमें से नेम चाहिए जल्दी से बता दो कैसे होगा बनाओ फंक्शन बनाओ लड़के लाइन नंबर 125 पे कर्ली ब्रैकेट दे दो होगा क्या करना चाहिए बताओ मुझे इस डेटा के अंदर एरे मिल रही है ध्यान के अंदर ना डेटा है ये डेटा जो वेरिएबल है इसके अंदर एरे मौजूद है इसमें से मुझे खाली नेम की एरे चाहिए क्या करूं डेटा डॉट नेम सर डेटा डॉट नेम अच्छा जरा करना डेटा डॉट नेम जरा दोस्त और जरा चला के देखना क्या आता है सर हमारा डेटा तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है ना सर एरे की फॉर्म में दोस्त एरे यही तो चीजें देखनी है तो इंडेक्स कॉल करेंगे। अच्छा दो मिनट रुको बैक करना ब्राउजर पे आना और जरा कोड से देखना डेटा क्या आया हुआ है इधर स्क्रॉल अप करना अनडिफाइंड सेव कर दिया आपने इंडेक्स कॉल करना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं इंडेक्स कॉल करूंगा तो कितने इंडेक्स कॉल करूंगा ये कौन बताएगा मुझे बे भाई अभी तो पढ़ा मैप नहीं पढ़ा आपने यस सर तो क्या डेटा डॉट मैप मैप में से नेम यूज कर सकता हूँ yes, बनाना एक और एरे बनाओ जल्दी से डेटा डॉट मैप रिस्पांस में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा है ना हाँ वैल्यू वैल्यू वैसे वैल्यू डॉट नेम क्या ये पॉसिबल है इसमें सामने वाला जब पड़ेगा तो उसको पता होना चाहिए कि यार अच्छा ये ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में से हमें क्या लेना है ये आ गया सर ये सारे नेम आ गए तो क्या आप इस तरीके से मैं चीजें चेंज कर सकता हूँ एवाटार्स ले सकता हूँ या जो भी आपको कुछ बनाना हो नाम डिटेल्स यस सर इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी थी ऑनर की प्रॉपर्टी से भी आप चीजें अगर लेना चाहो कि या ऑनर की इमेज लेके दिखा दी व्हाटएवर जो भी आपने जब डॉम मैनिपुलेशन करेंगे देखते हैं फिर इसको यहाँ तक कोई सवाल सर ये देन क्या था सर ये फेच में नीचे दो बार आ रहा है हाँ ये देखो अभी अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है ये प्रॉमिस कहलाता है ठीक है ये हम इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे अभी तो सिर्फ यही था कि
फेच की एपीआई यूज करनी थी, फेच की डॉक्यूमेंटेशन देखी, डॉक्यूमेंटेशन ने कहा ऐसे यूज करना, मैंने यूज कर लिया, क्या मेरा काम हो गया? यस सर हो गया। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्लाइंट क्या करता है, तो ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन अभी तक जो हमने नेटवर्क प्रॉमिस है सर, ये देन जो है, हां ये प्रॉमिस जो है सर, ये प्रॉमिस वाला है, ठीक है। यस हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रॉमिस। अब हमारा जो नेक्स्ट कल यानी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह कॉल बैक से, कॉल बैक के बाद फिर प्रॉमिस पे आएंगे, ठीक है सर। चलें सर, ये आज सिंक भी है, और सर ये वेट जो आता है, आ वेट, हाँ वो जब हम पढ़ेंगे ना हम लोग कॉल बैक, ठीक है सर, नेक्स्ट है ना सर वो, तो फिर ठीक है सर, ओके ठीक है, क्लास पे क्लास अटेंड करें यहीं पे। यस सर बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच, दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू वेरी मच सर, सर बिल्कुल सर बिल्कुल, हाफिज़, ओके सर। सर एक मिनट चीज पूछनी है, जी बोलिए।